नमस्कार जयसील सिंह किशोर श्रवण, कैसे हो भाई? तो आज हम लोग कोलिजन का एक टॉपिक है, 11वां वीडियो है गुरु नीति का, टोटल 45 आने। और आप एक बात गौर करें इसमें किशोर, कि हमने एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो दिया, बिल्कुल हर टॉपिक से हम अभी पहुंचे कहां तक है कोलिजन तक, उसके बदले हम लोग 11 वीडियो दे रहे हैं। तो एक तरह देखा जाए तो 11 माइनर टेस्ट है। इस वीडियो को देखने वाले मैं मेरे सारे बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों सीएलसी नीट के लिए गुरु नीति के वीडियो दे रहा है और आईटी के लिए गुरु नीति जे के वीडियो दे रहा है। डेली फिजिक्स और जूलॉजी का वीडियो, अगले दिन केमिस्ट्री और बोटनी का वीडियो, आईटी में एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ। सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी हो, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको विश्वास दिला सकता हूं, यदि सारे वीडियो को लाइन से आप देख लेते हो तो नीट में इससे बाल कुछ नहीं आने वाला है, जेई मेन में उसके बाल कुछ नहीं आने वाला है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं आपके अपने सीएलसी की टेस्ट सीरीज चलती है, अलवर, जयपुर, जोधपुर और कोटा हमारा सेंटर है, कोटा तलवंडी पर हमारा टेस्ट सेंटर है, वहां भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस कोविड के टाइम में सबसे सुरक्षित और सेफ और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की जगह सीकर सीएलसी है, सीकर सीएलसी है। आप सीकर आ जाए, सारी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल्स चालू हो चुके हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 30 नवंबर को, कि अभी 30 नवंबर सुबह में हम लोग दोनों, हम गुरु शिष्य भी हैं, मेरे स्टूडेंट रहे किशोर, तो हम दोनों गुरु शिष्य मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि इतने अच्छे यज्ञ हम करने जा रहे हैं जिसका कोई चार्ज हम किसी बच्चे से पे नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इस खुशबू को फैलाएं ताकि हमारा प्रयास सफल हो, हमारी मेहनत दोस्तों रंग लाए, ताकि हमें लगे हमें मेहनत का काम है कि लोग देख रहे हैं। पहला वीडियो हमारा 25,000 हो चुका है, बिल्कुल 25,000 जो हमारा फर्स्ट वीडियो 26 अक्टूबर को अपलोड हुआ था, वो 25,000 व्यूवर्स उसको देख चुके हैं। ओके डियर, शुरू करें। तो आज हम बात शुरू करते हैं हमारी कोलिजन पे। आज ओडियर एक क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन था मेडिकल का, बिल्कुल अगला साहब कहता था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, अगला कहता पूर्ण प्रत्यास्थ प्रक्रिया के लिए ई का मान क्या होगा भाई किशोर सर? 1। तो 1 होगा। एक बात ध्यान देना डियर, इसमें आपको कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जिनकी बात पहले हम कर लेते हैं। देखो ई का मान 0 हो सकता है, ई का मान 1 हो सकता है, और ई का मान ऐसे भी हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर। तो ये कौन है? पूर्ण अप्रत्यास्थ, नो इलास्टिक, ये पूर्ण प्रत्यास्थ, ये ना पूर्ण, ये एक लाभ सपने, एक पूरी परास हो गई, एक रेंज है, पूरी परास हो गई ना, ये परफेक्ट इलास्टिक है और ना परफेक्टली बिल्कुल नॉन इलास्टिक है। इसमें अगर ये अपन लेते हैं, ये हो गया आपकी सामान्य अप्रत्यास्थ चक्र, ये एक सामान्य अप्रत्यास्थ चक्र है, 0 से बड़ा हो और एक से, यूं कह सकता हूं मैं, यहां तो मैंने एक की वैल्यू दिखाई है, एक की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, एक के बराबर या उससे छोटी होगी। तो ये आपकी 3 बातें होगी दोस्तों। एक काम करें, पर टक्कर से जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। ओके, पेज खाली करें भगवान बेटा। देखो दोस्तों क्या है टक्कर, टक्कर 2 प्रकार की है, एक तो टक्कर है 1D, एक है तिर्यक, 2D भी कह सकते हैं उसको, ऑब्लिक 2D। 1D का मतलब है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बॉडी हमेशा एक ही लाइन पे रहे, एक सिस्टम ऐसा, इसको कहेंगे 1D। दूसरे को ऑब्लिक कहते हैं, तिर्यक कहते हैं, 2D कहते हैं, उसका मतलब है कि पहले बोल ऐसे हैं, फिर बोल टकराई, टकराने के बाद एक बोल इधर चलेगी, एक बोल इधर चलेगी, बड़े ध्यान रखना इनका प्लेन सेम होता है, ये प्लेन आपका बदल गया, ये कूद गई तो फिर 3D वाली भाषा बन जाएगी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा साथ दो ईमानदारी से, टक्कर कोलिजन घटना बोल सकते हैं इसको, मैं इसको घटना घटना हो गई दोस्तों। 1D का मतलब है घटना से पहले, घटना के बाद सब एक लाइन पे हो। 2D या तिर्यक, 2D सब की बजाय तिर्यक बोलते हैं इसको, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, टक्कर से पहले ऐसे गेंद आई, टकराई और फिर किसी एंगल पे चली गई। ओके, ये फिर 2 प्रकार की, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, ये भी 2 प्रकार की है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, इलास्टिक और नो इलास्टिक। ओके डियर, तो अब हम बात कर रहे हैं 1D, 1D की 1D कोलिजन, एक विमीय गति, प्रत्यास्थ कब होगी अप्रत्यास्थ कब होगी? तो एक लाइन ध्यान सुन लो, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो। अब बात आती है गति ऊर्जा, और लड़के कुल ऊर्जा नहीं बोल रहा हूं मैं, आई डोंट से टोटल एनर्जी, आई से ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब सुन लो भाई, मोमेंटम और एनर्जी ऑफ काइनेटिक यदि दोनों कंजर्वेट है तो कौन है? प्रत्यास्थ, लास्ट वो प्रत्यास्थ टक्कर है। मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्वेट रहेगा और गति ऊर्जा जब कंजर्वेट नहीं है, बार बार एक बात कह रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेट बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों कुल ऊर्जा तो हमेशा ही संरक्षित होती है। इसके ऊपर दोस्तों एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मेरा, एक मास्टर फॉर्मूला है, वो दिखाई दो, बिल्कुल आ जा, चलो देखो ऐसे करो, मैं इस टॉपिक का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं,
दोस्तों माना कि एम वन एम टू यू वन यू टू वो तो वही रहेंगे, वही एम वन एम टू वी वन कोई नई बात नहीं है। घटना से काम लूंगा, घटना से पहले तो घटना के बाद। अब मुझे नहीं पता है इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है, मैं कॉमन फॉर्मूला आपको नोट कर देता हूं, पेन का कलर चेंज कर लूं। देखो डियर एक सिंपल फॉर्मूला है V1 का, एक सिंपल फॉर्मूला आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। और दोस्तों V2 का फॉर्मूला बनेगा 2M1 M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 दामन चुका नहीं यहाँ पर M2 माइनस M1 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। ये फॉर्मूला याद करना होगा, कैसे आया कहां से आया ये कंप्यूटर काम नहीं है। और ये तेरे याद नहीं है तो कैसे आया वो तेरे एग्जाम में सहायता भी नहीं करेगा। अब ये तो है प्योर प्रत्यास्थ के लिए। अब मैं इसमें ई लगाता हूं, रेमक कलर चेंज करता हूं, देख यहां तो देख लिया तूने, अब कलर चेंज कर, एक यहां ई लगा दे। Yes. जो दो लिखा हुआ है वहां वन प्लस ई कर दे, यहां जहां दो लिखा हुआ है वन प्लस ई कर दे, और यहां इसको फिर ई से मल्टीप्लाई कर दे। ये फॉर्मूला तेरा हो गया। अब मास्टर ई का मान वन है इट्स परफेक्टली इलास्टिक, ई का मान जीरो है तो परफेक्टली प्लास्टिक, जिसको प्लास्टिक कहते हैं नो इलास्टिक कहते हैं, ना ई जीरो है ना ई वन है। तो अब मैं इन सबको मिटा के बच्चे के लिए बहुत कॉमन बात और कर दू, उत्तर किशोर मेरा साथ दे, तो अपने क्या कहेंगे, M1 माइनस ई M2 M1 प्लस M2 U1 1 प्लस E M1 प्लस M2 यहां M2 U2 आ जा, V2 पे आ जा, V2 क्या है 1 प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस E M1 प्लस M2 U2। लो जी भाई जी मास्टर फॉर्मूला है बिल्कुल। अब यदि E का मान 1 है तो एक प्योर इलास्टिक हो जाएगी, E का मान 0 है तो प्योर प्लास्टिक या नॉन इलास्टिक हो जाएगी। और दोस्तों ना E का मान 0 हो ना E का मान 1 हो तो ये इस टॉपिक का मास्टर, जिस आदमी को ये फॉर्मूला आता है वो इसमें कहीं मात नहीं खाएगा। ओके एक बात पूरी हुई, चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि एक बोल ये दोनों टकराई, टकराने के बाद हो गया दिस इज U1 U2 V1 V2। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, M1 U1 M2 V2 M1 V1 M2 V2 ठीक है डियर। आप ऐसा करो M1 M2 बराबर कर दो, इक्वल कर दो, तो आप क्या कहोगे U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहां एक चीज बनती है, नहीं क्या बनती है कि आप एक काम करें U1 माइनस V2 लिखो तो V2 माइनस क्या आएगा, सॉरी बदल कर दिया मैंने, U1 माइनस V1 इक्वल टू V2। इसकी अपना जरूरत नहीं पड़ेगी। यस यस दोस्तों ये आपके सामने सिंपल फॉर्मूला है U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके डियर तो ये आपके लिए एक बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इसमें एक E का फॉर्मूला आता है, E का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V2। V2 माइनस V1 टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग और टक्कर के पहले का सापेक्ष वेग, इसको थोड़ा सा आप ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो दिस इज V1 माइनस V2 बटे U1 माइनस U2। ये लो जी ये थोड़ा सा एक चीज ऐसे है, देखो ये टक्कर से पहले इसके पास आ रही है और टक्कर के बाद इससे दूर जा रही है, तो देखा जाए घटना उल्टी होगी। भाई देखो टक्कर से पहले पास आ रही है फिर टक्कर के बाद दूर जा रही है, तो हकीकत देखा जाए तो ये कह सकते हैं घटना उल्टी। जैसे आप एक पत्थर को दीवार पे मारो तो टक्कर से पहले पत्थर दीवार की ओर जा रहा है, टक्कर के बाद पत्थर वापस आ रहा है, तो पाइप है जा गया ना। हेलो एक पत्थर दीवार पे मार, टक्कर से पहले दीवार की ओर जा रहा है फिर वापस आएगा, कितना फेज हो गया, पाइप फेज, वही पाइप फेज यहां शो होता है। पर इसका ज्यादा या दिमाग मत लगाना,
इतना ही कह सकते हैं टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग अपॉन टक्कर के पहले के सापेक्ष वेग का जो रेशियो होता है इट कॉल्ड प्रत्यास्थान गुणा, यानी रिलेटिव इफिशियंट रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बोलते स्पीड ऐसे इसको अपन प्रॉपर में ऐसे कह सकते हैं हां कि जैसे पहले पास आ रहे हैं हां तो यहां पे तो है क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अप्रोच यस पास आने का अपेक्षित वेग हां और यहां दूर जाने का अपेक्षित हां ये एक प्रॉपर शब्द है, बाकी मैं एक शब्द घटना का हूं, घटना से पहले बिल्कुल मेरे जवाब दिमाग में घटना से पहले घटना के बाद ठीक है डियर। अब आपकी चीज यहां तक हो गई ठीक है, अपन ऐसा करते हैं क्वेश्चन करने से पहले इसकी थोड़ी की थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। कैसे करें तो माना कि टक्कर आपकी पूर्ण प्रत्यास्थ स्पोज ग्रो E इक्वल टू वन, और आप एक काम करें V1 का फॉर्मूला था M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 टू M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2 V2 इक्वल टू 2 M1 M1 प्लस M2 प्लस M2 U1 M2 माइनस M1 M1 प्लस M2 U2। यह फॉर्मूला मैं कम से कम 4 से 5 बार आप ना लिखूंगा क्योंकि इस टॉपिक में सारी जान इसी को नीट यहीं से आना है। अब दोस्तों यहां पर 3 कंडीशन क्रिएट करता हूं, मेरी फर्स्ट कंडीशन है M1 इक्वल टू M2। आज की क्लास के सुंदर सी चीज, जैसे तू M1 M2 बराबर करेगा ये चीज क्या होगी जीरो, ये क्या होगी जीरो, ये M कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला है V1 इक्वल टू क्या बना U2 और V2 बनेगा U1। अर्थ क्या निकला पुत्र, जब बराबर मास के दो पिंड परफेक्टली इलास्टिक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो टक्कर के बाद घटना के बाद उनके वेग आपस में चेंज V1 बराबर U2, यानी दूसरी घटना का जो दूसरी बॉल का जो घटना से पहले वेग था वो पहले का घटना के बाद हो गया। V2 दूसरी का जो वेग है वो पहले वाले के बराबर हो गया, पहली केस हो गया बोल हाँ आना यस। ये मेरी क्लास में एक शानदार चीज हो गई, मैं इसको मिटा दूं। अब दोस्तों इसके ऊपर दो चीजें बड़ी प्यारी है, जैसे एक शर्त है एक पत्थर आप दीवार पे फेंक के मारो तो पत्थर तो कौन है M1, दीवार कौन है M2। यदि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 हो जाए, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 हो जाए, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ दीवार वाला। कॉमन सेंस की बात है, पत्थर दीवार पे मारूंगा, दीवार पहले भी रुकी हुई थी, दीवार अब भी रुकी हुई है, ये दीवार पहले भी रुकी हुई थी, दीवार अब भी रुकी हुई है, तो V2 का मान क्या आएगा जीरो। पत्थर पहले दीवार की ओर जा रहा था माना U1 वेग से, अब दीवार पे टकराएगा वापस आएगा, परफेक्ट इलास्टिक टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, संवेग में मोमेंटम में कोई लॉस नहीं हुआ तो वापस आ जाएगा, तो V1 का मान हो जाएगा माइनस U1। ये तो आपको याद रखना है, कैसे आया निकाल देता हूं, लेकिन फिर भी याद रखना इसको, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। इस सिंपल एग्जांपल किसका है, दीवार पे कोई छोटा सा पत्थर मारा जाए, यस हेलो बोले पड़ रही है, तो दीवार पहले भी खड़ी थी बिल्कुल, बाद में पहले भी U2 जीरो था, यस V2 भी जीरो हो गया, पहले पत्थर उधर जा रहा था U1 वेग से, पत्थर वापस आ गया, स्पीड चेंज नहीं हुई, केवल क्या चेंज हुई डायरेक्शन, उसको आप माइनस लगा सकते हो। अब ये तो याद रखना है, और इसको कैसे करें करने के लिए तो इसको बिटा दूं, तो तू जानता कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, तो अपन दोस्तों M1 बाई M2 को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो M1 बटा M2 करूं हाँ, बहुत 1 ग्राम बटा 100 किलो 100 किलो 1000 किलो वो क्या हो जाएगा इग्नोर बस। तो अब आप इसको M1 बाई M2 बनाओ, M1 बाई M2 तू बनाएगा, इसको तू M1 बाई M2 बनाएगा तो कॉमन क्या लेगा M1 M1 ये कॉमन लिया M1 तो क्या बचा 1 माइनस M2 अपॉन M1 M2 लेना M2 यस अपना भार रुक गया, अपना भार रुक गया ना, तो V1 आप क्या भार लो M2 तो M2 क्या भार आएगा M1 माइनस M2 माइनस 1, यहां भी वही M2 बाहर ले क्या बचेगा M1 M2 प्लस 1, और ये क्या उत्तर है U1
U2 का इसमें स्टेप ही नहीं आएगा, क्यों? दीवार रुकी हुई थी। अब तू खुद देख M1 बाई M2 क्या करेगा, तू इग्नोर, ये तेरा आपस में कट गया, ये तेरा इग्नोर हो गया, ये तेरा इग्नोर हो गया, किशोर क्या बच गया पुत्र? माइनस, तो V1 इक्वल टू माइनस U1, कौन निकल गया तेरा? V1 निकल गया। चल तू V2 पे आ जा, तो V2 पे तू आएगा तो तेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये स्टेप तो क्या हो गया तेरा? जीरो। यहां तू M1 बाई M2 करेगा, ये स्टेप भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो V2 बराबर क्या हो गया? जीरो। यहां तीन कंडीशन है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक VBA पूर्ण प्रत्यास्थ, 1D परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसका फॉर्मूला है, मेरे साथ बोल, आंख बंद कर साथ बोल, V1 बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U1 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। नीचे आ जा, V2 बराबर 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। याद कर ले, याद नहीं है तो याद कर ले, आगे कहीं मत जा। ये याद नहीं है ना तो भाई जी चाहे कितनी ट्यूशन पढ़ ले, कितनी कोचिंग कर ले, कितनी गाइड निकाल ले, बड़ा कुछ नहीं है। चाबी जब तक मूल हाथ में नहीं है ना, जड़ में जब तक पानी नहीं देगा, पेड़ हरा कभी कोई नहीं सकता। पल्ली पड़ रही बात तेरे, हो गया। तीसरा केस देखे, तीसरा केस दोस्तों क्या है, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। इसका एग्जांपल है कि मान लो कोई ट्रक चल रहा है, आगे स्कूटर चल रहा है, और ट्रक वाले टक्कर मारी स्कूटर के, तो ट्रक के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्कूटर थोड़ा सा तेज वेग से जाएगा। या एक एग्जांपल मेरे पास और भी है इसका, मैं किसी फुटबॉल को लात मारूं, ये एग्जांपल है, तो मेरा पांव क्या है? M1, फुटबॉल क्या है? M2। हाँ एक बात सुन लेना, इसमें आप ये कह सकते हो U2 बराबर 0। इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो? U2 इक्वल टू 0। ऐसे कर लो, इसको अपन ऐसे कॉमनली कर सकते हैं, जो भारी वस्तु है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना, करके दिखाएंगे। मैं फुटबॉल के लात मारूंगा ना, तो फुटबॉल कौन है? सेकंड बॉडी है। तो दोस्तों मेरा वेग जो पांव का वेग तो क्या होगा? V1 बराबर U1 है, और फुटबॉल का वेग जो है वो मेरे पांव के वेग का डबल होता है। ऐसे क्या आता है, एक स्कूटर आगे जा रहा, ट्रक टक्कर मार दी, तो ट्रक का वेग तो वही रहेगा, स्कूटर का वेग और दुगुना डबल हो जाता है। किससे डबल? ट्रक से। किससे डबल? ट्रक से। कहने पड़े पड़ रही है, लो मैं आप कहो तो इसको आपको निकाल के बता देता हूं कैसे निकालें। आ जा, तो भैया अब वही बात है, यहां बड़ा कौन है? M1 बड़ा है। M1 बड़ा है तो आप इग्नोर किसको करोगे? M2 बटा M1 करोगे, तो आप इसको M2 बटा M1 बढ़ाओ, तो M2 बटा M1 बनाना हो किशोर पुत्र, तो बाहर का निकालोगे M1 बाहर निकाल, यस M1 बाहर निकालेंगे, तो यहां क्या आएगा? 1 माइनस M2 अपॉन M1। नीचे आपका वही M1 बाहर निकालो, 1 प्लस M2 बाई M1 मल्टीप्लाई क्या है? U1। ठीक है डियर, तो तेरे सामने सामने हो गया, ये इग्नोर हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, V1 क्या हो गया? U1। ओके डियर, अब तू इसके सेकंड स्टेप पे आ, सेकंड स्टेप कौन है? V2। तो V2 में तू खुद कहता बाहर क्या निकालना तेरे को? वापस M1 बाहर निकाल ले, तो तू इसका M1 बाहर निकालेगा, तो ऊपर M1 पड़ा दिक्कत ही नहीं है, यहां तू M1 बाहर निकाल, तो क्या बचा? 1 प्लस M2 बाई M1 मल्टीप्लाई U1। ये तेरा क्या है? इग्नोरेबल। ये कट गए, V2 का मान क्या आ गया? 2U1। V2 का मान क्या आ गया? 2U1। अब इन सबको मिटा के और एक बात कह दो, पहला केस है कि M1 बराबर M2, तो दोस्तों V1 इक्वल टू तो हो जाएगा U2 और V2 हो जाएगा U1। यदि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, पर इसको ले लिया M1 मेरा पाप, मतलब मैं फुटबॉल के लात मार रहा हूं, तो V1 किसके बराबर होगा? U1 के, और V2 किसके बराबर होगा? 2U1 के। बोलो बोलो जल्दी बात जल्दी, M2 जो वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो तू क्या क्या कहेगा? V1 इक्वल टू क्या है? माइनस U1, और V2 इक्वल टू क्या है? क्योंकि यहां U2 क्या था पहले से? रेस्ट में था, इसमें U2 क्या था पहले से? रेस्ट में था। तो ये आपके सामने कहानी आ गई, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से भाई टक्कर में इससे अलावा कोई चीज बाहर आने नहीं है। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, पर उसी पे काम कर लेंगे आगे। तो ये 1D में अपन एनर्जी वाले जोड़ दे, यहां एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम। हाँ एक यस बोले आप, इस बात को आप बताएं। इसमें जैसे ये भी बच्चे याद करना का चाहे ना, हाँ। ऑर्डर इस लेवल फिक्स कर दो, देखो कर दो। जैसे मान लीजिए एक तो अपना ऑर्डर है पहला कि M1 का वैल्यू M2 से बहुत ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा मैं मान लूं कि M2 का वैल्यू M1 से बहुत ज्यादा हो, और तीसरे में M1 बराबर M2,
अब दिमाग पहले अपन ये सेट कर लें भी अपने पास ऑलरेडी होता है कि M1 M2 दो ही चीजें हमारे पास होती हैं। तो पहले अपन M1 को बड़ा मान लिया, ठीक है, उल्टा मान लिया, फिर बराबर मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो अपन करते हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं, वेग, संवेग और एनर्जी। बिल्कुल, वेग, संवेग और एनर्जी। तो पहले वाले में वेलोसिटी ट्रांसफर है मैक्सिमम, दूसरे में संवेग, संवेग, तीसरे में एनर्जी। ये अच्छा तरीका हो गया, पहले M1 को बड़ा करो, फिर M2 को बड़ा करो, फिर बराबर करो। पहले वेग आता है, पहले वेलोसिटी आती है, फिर मोमेंटम आता है और एनर्जी आती है। इसका अर्थ ये है M1 M2 से बहुत बड़ा है तो वेग में अधिकतम परिवर्तन होता है, M2 M1 से बड़ा है तो संवेग में परिवर्तन होता है। आप किसी पत्थर को दीवार पे मारते हो तो दोस्तों वापस मुड़ जाता है, इससे बड़ा वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैक्सिमम ही होता है। और M1 बराबर M2 है तो गति, ऊर्जा, की एनर्जी आपस में, वेग आपस में बदल गए, इन सारों में U2 बराबर 0। दो कणों के एक मिनट टक्कर वेग आपस में कब बदलेंगे, मास समान हो, टक्कर प्रत्यास्थ, द्रव्यमान समान हो, फर्स्ट सही है। सेकंड क्या कहता है, टक्कर है प्रत्यास्थ, मतलब ही नहीं है, तो कौन सही हो गया, पहला सही हो गया आपका। नेक्स्ट राजा भाई भगवान बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक शीशे की गेंद एक दीवार से टकराती है, नीचे गिर जाती, ध्यान देना, ये दीवार है, गेंद गिरी और यहां आ गई, दूसरी गेंद ऐसे गिरी और वापस आई, कॉमन सेंस की बात है भैया, समान द्रव्यमान की गेंद समान वेग से दीवार से टकराती है और वापस आती है, सत्य कथन कौन सा है, टेनिस की गेंद के संवेग परिवर्तन होगा ना, शीशे, शीशे गेंद वाले, एक मिनट, बिल्कुल सही, पहली गेंद ही भैया, पहली गेंद हुई है, बिल्कुल टेनिस गेंद पहले ना, बिल्कुल टेनिस की गेंद में संवेग परिवर्तन अधिकतम होगा, शीशे गेंद परिवर्तन मतलब ही नहीं है, दोनों के मतलब ही नहीं है, हो गया पहला, हो गया पढ़ा दे पूरा, जाके टकराई वापस वापस है। लो इस पे मैं एक बात करता हूं, पेज खाली करना एक मिनट में, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा लाडला क्वेश्चन है, ये एक दीवार है, इस दीवार पे सबसे पहले दोस्तों आप एक अभिलंब खींचो, माना कि कोई वस्तु, ध्यान दे, एम मास की कोई वस्तु थीटा एंगल पे, पहले तो गांठ बांध लो भैया जी, गांठ बांध लो रे, एंगल हमेशा लंब के साथ है, नॉर्मल के साथ है, रियोप्टिक्स की चाबी है, रियोप्टिक्स की तो भाई साहब चाबी है, वापस इधर आ गई, ये कोण भी थीटा है, वेग भी एम मान लो, यदि वो वी था तो इसको भी आप एक बार संख्या में वी मान लो, यस, अब तो खुद कह रहा है ये कौन है एम वी, ये घटक क्या होगा एम वी कोस थीटा, ये भी क्या होगा एम वी कोस थीटा, तो दिस इज पी इनिशियल, व्हाट इज पी इनिशियल एम वी कोस थीटा, पी फाइनल वो भी तेरा एम वी कोस थीटा, नेगेटिव होगा, इसको नेगेटिव बोलते हैं, यस। अब तू आ जा डेल्टा पी, तो व्हाट इज डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दिस इज माइनस टू एम वी कोस थीटा, दोस्तों डेल्टा पी है, ये तो एक बोल है, माना ऐसी एन बोल हो जाए तो इसको टू एम एन वी कोस थीटा, माइनस इस बात को बता रहा है कि कण के संवेग में इतनी कमी हो जाएगी और दीवार के संवेग में उतनी वृद्धि हो जाएगी, पार्टिकल की मोमेंटम उतना कम हो जाएगा और वॉल को, दीवार को उतना मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए संवेग क्या रहेगा, संरक्षित। अब बाय चांस पूछ ले लगने वाला बल क्या है, तो जानता है F बराबर dP / dt है, तो बल पूछे तो 2m n v cos थीटा / t से डिवाइड कर दे, बिल्कुल आगे चल, यदि लंबवत टकराए थीटा क्या हो जाएगा 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 2m n v / t हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। ये बताऊं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, जब हम आपको केटीजी पढ़ाएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ाते हैं, जब एक पात्र में गैस भरी होती है, वो पात्र की दीवारों पे गैस कण टकराते हैं और वहां जो दाब का फॉर्मूला आता है उसकी शुरुआत है यही है, ऐसे ये गुरुनीति केवल क्लास का, केवल चंद क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, गुरुनीति का मतलब उस टॉपिक को पूरा लपेटा, और दोस्तों घमंड से नहीं, अहंकार से नहीं, अनुभव से कह रहे हैं, इसके बाहर नीट में कुछ नहीं आएगा,
इसमें दो बातें और जोड़ दें, इसमें जोड़ो जैसे इसका संवेग अपन ने कंपोनेंट कर लिया, ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें एक चीज साइलेंट रखी है हुँ? कि इसका जो पहले इस तरफ घटक था हमारा MV sin थीटा, वो पहले भी नीचे था और बाद में भी नीचे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसको शो नहीं करा, शो ये किस पे लंबवत है, लंबवत इस पे कोई नहीं है, यस, इसलिए वो जो गेंद जो जीरो हो गया, बिल्कुल। दूसरी बात एक और हो सकती है अपनी कि ये जो गेंद प्लस दीवार यस दोनों का कुल संवेग सख्त रहेगा, तो सख्त रहेगा, यस, एक अद बदल रहा है, एक अद जितना घट रहा है, तो मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, हाँ, तो मेरे 100 रुपए घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, टोटल जीरो, चेंज जीरो हो गया, बिल्कुल, नोट तो वही है, बिल्कुल, आगे चले, यस, थैंक यू, तो हरा बात का मजा, बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, कॉलेज में वैसे भी, एक गेंद फर्श से टकराती है, एक अप्रत्याश टक्कर के बाद, देखो, एक पेशा करना बेटा, गांठ मान ले बेटा, कोई गेंद ऊपर से टकराई, एच गिरी और वापस एच पहुंच जाती है, इसका सुन लो एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको आप याद भी कर सकते हो, E इक्वल टू एच टू एच वन का रूट, यस, ये फॉर्मूला भी एक बेटा पे, E इक्वल टू रूट एच टू बाई रूट एच वन, दोस्तों E इक्वल टू वन है तो एच टू बराबर एच वन है, कॉमन सेंस की बात है, एक गेंद को छोड़ा 10 मीटर छोड़ा और गेंद वापस 10 मीटर उछल गई, इसका मतलब वो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ है, लॉस ऑफ एनर्जी जीरो का, और बस, और यदि वो आपने कोई गेंद छोड़ी और वो फर्श पे वहीं चिपक गई, जैसे आपने एक गिल्ली मिट्टी का लड्डू बनाया, उसको छोड़ा, वो फर्श पे फैल फूट जाएगा, उसका एच टू जीरो है, वो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है, वो परफेक्टली नॉन लास्टिक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आजा क्वेश्चन क्या कहता है, जो कहता है अप्रत्याश रूप से उछलती है, अप्रत्याश उछलने का मतलब यह है किशोर पुत्र कि वो वापस वहां तक नहीं आए, नहीं आए, उसे क्या कहता है, गेंद का संवेग टक्कर के ठीक बाद और टक्कर के ठीक परे समान होता है, नहीं होगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टक्कर में गेंद की आंतरिक ऊर्जा समान रहती है, लॉस होगा, लॉस होगा एनर्जी, क्योंकि टक्कर अप्रत्याश है, गेंद का पृथ्वी का कुल संवेग है, बिल्कुल टोटल समय कभी चेंज नहीं होता नहीं। है, तो टक्कर इलास्टिक हो जाए नॉन इलास्टिक, चौथा क्या कहता है, गेंद का पृथ्वी की कुल ऊर्जा सुरक्षित रहती है, इस तो, बात ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा है, हाँ, ये इसको अपन सही करेंगे, हाँ, ये सही करेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी में सारी एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी तो भैया थोड़ी सी बात करें इसमें, इसको अपन करें अथवा नहीं करें, इसको अपन राइट करें या रॉन्ग करें, इस बात में थोड़ा देखो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड, अगर इसमें अपन ओनली मानते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, तब तो ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, और अपन यहां बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक की, भाई यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित वाली बात तो यहां पर डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल, लेकिन टोटल ऊर्जा तो दुनिया में नष्ट होती नहीं है, देखो दोस्तों एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है, एनर्जी नष्ट नहीं होती, वो एक डायलॉग है, ना ऊर्जा पैदा की जाती है ना ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा केवल अपना एक रूप बदलती है, एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय, एनर्जी चेंज ओनली ऑन फॉर्म, यस, ओके ओके डियर, थैंक यू, हाँ चले किशोर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करों में वस्तुओं का अपेक्ष टक्कर के पश्चात साथ होती है, साथ होती है, तो क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ध्यान दो, पूर्ण कैसे 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 ऐसे कैसे कैसे, ई इक्वल टू माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, ये एक फॉर्मूला है, अगला कह रहा है पूर्ण अप्रत्यास परफेक्टली इनलास्टिक, क्या कर दो, जीरो, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, यानी v1 इक्वल टू क्या हो गया, v2, v2, इसका बताओ रियल प्रश्न क्या है, पेज खाली करना बेटा जी, हकीकत बताओ क्या है, कि इसमें रियल में ये होता है कि टक्कर के बाद में वस्तु एक हो जाती, एक होगी तो वेग एक ही होगा ना, साथ चलती है, पूर्ण अप्रत्यास्थ का हो सकता है आईटी में बात में जो बोल रहा हूं गलत साबित हो सकती है, पर मेडिकल में कह सकता हूं कि टोटल इनलास्टिक कोलिजन कोई हो, क्वेश्चन निकाला बेटा, टोटल इलास्टिक कोलिजन कोई हो, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर कोई हो, तो अब ये कहेंगे टक्कर के बाद दोनों बॉडी एक हो जाती है, तो v1 v2 बराबर हो जाते हैं, तो बराबर हो गए तो रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, तो क्या कहोगे, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक जीरो, फिर सवाल जीरो, यस चले आगे, चलो भाई सिक्स निकाल, जब दो पिंडों में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, यहां क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, देखो पूरा पढ़ा दिया आपको मैंने, पर फेक इलास्टिक क्या क्या होता है, निकाय की केवल गतिज ऊर्जा सुरक्षित होती है, ना गलत हो गया, निकाय का केवल ना गलत हो गया, निकाय का संवेग और गति दोनों सुरक्षित होते हैं, रोजी बिल्कुल बात खत्म होगी, तो ये पूरा पढ़ा चुके आपको, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, बोलो किशोर पुत्र बिना से आगे चल पुत्र, ये आ गया पूरा पढ़ा दिया, दिक्कत नहीं आएगा, साफ कहता है Which one of the following statement doesn't hold good when two balls of masses m1 and m2 undergo elastic collision? Yes.
कहता जब दो द्रव्यमान M1 M2 के बीच 50 टक्कर होती है तो निम्न में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। पहला क्या कहता है, M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2, ये कौन सा एग्जांपल है, गेंद और दीवार वाला। बिल्कुल, गेंद और दीवार वाला, उसमें हम क्या कहते हैं अधिकतम क्या होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है, तो तब अधिकतम संवेग का स्थानांतरण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, ये कौन है, फुटबॉल के टक्कर वाला, वहां क्या होता है अधिकतम है किसका होगा, इसमें आपका अधिकतम वेग होगा, बीच क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है M1 M2 नहीं की उसकी स्टेटमेंट बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन है कि ऑब्लिक कोलिजन में जैसे दोनों बाद में कैसे लंबवत गति करेंगे, तो वो क्या था कि दोनों समान द्रव्यमान के हों और दूसरा व्यस्त में हो तो बिल्कुल लंबवत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है मेनली पूर्ण प्रत्यास्थ पे है, यस सुन लो भाई सुन लो, पूर्ण प्रत्यास्थ बिल्कुल ठीक, पूर्ण प्रत्यास्थ सीधे पूर्ण प्रत्यास्थ, यस ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है M1 M2 दो मास हो, दोनों बराबर हो, U2 जीरो हो, तो आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, तो वो पूर्ण तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर है। सुन ले भाई, ये एक प्रैक्टिस को याद रखना चाहिए, अभी आपके सामने हो गया। हाँ, यहां मैं फिर रिपीट कर दूं, M1 बहुत बहुत बड़ा हो M2 से तो वेग का अधिकतम परिवर्तन है, M2 बहुत बहुत बड़ा हो तो संवेग का है, M1 M2 बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन शर्त है U2 जीरो होना चाहिए, और शर्त नहीं है, नीट का सिलेबस कैसा हुआ है, आगे चले बेटा आगे आ जा, क्या फिर आ गया, M1 मास की वस्तु विराम में है, M2 द्रव्यमान की अन्य वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संतुलन करती है, अधिकतम ऊर्जा स्थान M1 द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था में, दान 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 दान, ये M1 है इस बार, नहीं बहुत सही है, M1 द्रव्यमान की वस्तु, अच्छा विराम अवस्था में रखी, अच्छा पढ़ने में गलती कर रहा हूं, M1 द्रव्यमान की वस्तु ऐसे कौन रखना पड़ेगा, विराम अवस्था में रखी M2 द्रव्यमान की है तो अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, M1 बराबर है M2, मजा आ गया बात कर, एक बार तो तेरे मुझे रिपीट कर दोबारा से, ऑर्डर फिक्स करना, बता बताओ कि अगर M1 का मान बहुत बड़ा है M2 से, तीन केस है, M1 बड़ा हो, M2 तो पहले 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 M1 बोलो, तो याद करो हम आपको याद ऑर्डर से, M1 बड़ा तो वेग अधिकतम, वेग अधिकतम, M2 बड़ा संवेग अधिकतम, बराबर है तो ऊर्जा अधिकतम, एनर्जी स्थानांतरण, ट्रांसफर, ट्रांसफर, यानी पहले को दूसरे को कितना याद हो गया ना यार, पानी पी के दोबारा सुन लेंगे, आगे चलो फिर वो ये कोलिजन का शानदार क्वेश्चन, क्या कहता है, दो समान द्रव्यमान M1 M2 एक ही संरेखा में गति कर रहे हैं, एक का वेग 3 है लड़के, इसका मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, सीधी सी बात है बिल्कुल, लेकिन आपको कोलिजन के लिए इसको भी इधर लेना पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, वेग माइनस हो गया ना अपने आप ही, सही माइनस का मतलब सिर्फ आ रहा है, अब ये कहता टक्कर के पश्चात उनके आपस बदल दो, M1 M2 बराबर है ना, तो जो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों दूसरे का होगा +3 और पहले का होगा -5, दिमाग ये ऐसे टकराएंगी और टकराने के बाद वापस इधर जाएंगी, तो पहले इधर जाएगी दूसरी तो आपस में, तो देखो सुनो जो माइनस है वो भी चेंज होगा, तो माइनस है तो पहले का वेग क्या है 3, तो बाद में क्या हो जाएगा -5, दूसरा क्या -5, वो क्या हो जाएगा 3, अब ये गुणा भाग नहीं करनी, याद रखना है कि जब M1 M2 बराबर होते हैं तो टक्कर प्रत्यास्थ हो, तो टक्कर के बाद दोनों के वेग इंटरचेंज हो जाते हैं, ओके डियर, यस, और माइनस का मतलब था वस्तु दोनों ऐसे आ रहे थे टकरा के लिए वापस ऐसे हो जाएंगे, आगे चलो भैया, फिर वही आ गया, M द्रव्यमान की कोई वस्तु V वेग से, M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M, फुटबॉल है ये मेरा पांव है, फुटबॉल है पांव, फुटबॉल के लात मारता तो दुगने वेग से, फुटबॉल किस वेग से जाएगा रे, दुगने वेग से, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आगे चलो भैया, फिर वो सेम कहानी आ गई, दो मास MA, मैंने हमने आपको पूरा पढ़ा दिया इसे टप 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 क्लास सुन दिया, आगे दो द्रव्यमान MA MB विपरीत दिशा में VA VB से गतिशील है लड़के, ये आपका VA है और ये आपका VB है, परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, टक्कर के पश्चात MA MB VB VA से, और भाई सुन ले, ओ ओ ओ ओ ओ 1 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
टक्कर के बाद यदि आपके वेग इंटरचेंज हो गए, इसका मतलब आपके दोनों के मास बराबर हैं और एम वन एम टू रेशियो क्या हो गया, वन हो गया। एक बात पकड़ो बच्चों आप यहां से, क्या बात है कि यदि किसी टॉपिक की थ्योरी को बहुत ढंग से अच्छी तरह से कवर कर दिया जाए तो मेरे यारो उसके न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और फिर उसके न्यूमेरिकल हो जाए तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। दोनों बातें हैं। चल आगे चलो भैया, फिर वही कहानी आ गई, एमो द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर। देखो मैं आपके बताऊं, एमो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, डायग्राम मेरा कोई डायलॉग है, पेन चलाओ कॉपी पे, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए, विराम में ए विराम ए बिंदु, यू टू बराबर 0, यू वन बराबर 3, आगे वस्तु टकराती है सेंटर के पश्चात, एम वन की गति की दिशा में इनके वेग क्रम से 2 और 5 हो जाते हैं, दोनों के वेग भैया पहला क्या हो गया 2 मीटर, दूसरा क्या हो गया 5। तो अगला कहता है एम वन एम टू के अनुपात बताओ, पेज खाली करना पुत्र, कोई दिक्कत नहीं भैया, ले एक वी वन निकाल ले, तो वी वन तू निकालेगा, तो वी वन क्या है बोलना किशोर, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई यू वन, ये स्टेप 0। यस 0 क्यों, यू टू 0 है, आ जा इसको सोल्व कर ले, तो एम वन माइनस एम टू तो तेरा एम वन माइनस एम टू रहेगा, यस एम वन माइनस एम टू तो तेरा एम वन माइनस एम टू रहेगा। अब तू खुद देख, टक्कर के बाद इसका वेग क्या हो गया बच्चा, बोलना भाई सुनील, वी वन क्या हो गया, वी वन 2, टक्कर से पहले क्या था 3, यस यस। अब आपको वी टू पे आ जा किशोर पुत्र, वी टू पे आ जा, तो यू टू क्या है 2 एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई यू वन प्लस 0 0 मैं सेकंड 0 क्यों कर रहा हूं, यू टू 0 है, वी टू क्या दे रहा 5, वी टू 5 2 एम वन एम वन प्लस एम टू यू वन, यू वन क्या है 3 हो रहा है, यू वन तेरा 3। तो ले सॉल्यूशन कर भैया, चल तेरे काम करता हूं, ये क्या बना 2 एम वन प्लस 2 एम टू इक्वल टू क्या है 3 एम वन माइनस 3 एम टू, इसका भाग देते बहुत सरल, हाँ भाग बहुत देते हैं, ए नहीं इसको देते इधर ले, उसको इधर क्या बचा एम वन और उसको इधर क्या बचा 5 एम टू, यस यस आएगा ना, आपको क्या चाहिए एम वन बाई एम टू कितना आया 5 रुपए, अपने 2 फालतू की काम, एक से ज्यादा अपना दोनों को लगा तो पूरा करने तो बनेगा 2 एम टू, ये क्या तेरा 6 एम वन उधर ले जा, क्या बचा एम वन, यह क्या बचा 5 एम टू, तो टाइम वेस्ट कर दिया आपका, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। आ जा किशोर राजा भैया, अनुपात क्या हो गया 5 हो गया, सुन ले 1/5 भी है, गलती मत करना भाई, एम वन बाई एम टू, ओके ठीक है। एक बात बताओ काम क्या आ रहा है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, वो जिसको याद है ना फॉर्मूला वो कहीं माफ नहीं खाता, आगे चलो। चल देखो भाई, नियत वेलोसिटी वेग से गतिशील एम मास का पिंड उसी द्रव्यमान के अन्य पिंड से जो उसी वेग से वी से विपरीत दिशा में गतिशील है टकराता है, चिपक जाता है, टक्कर के पश्चात 0 सीधा बात दोस्तों, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है, इसका संवेग क्या है एम वी, इसका संवेग क्या है माइनस एम वी, एक्चुअल में घटना से पहले कुल संवेग क्या है 0 तो बाद में भी 0 है, सुना बात, कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक हो नॉन इलास्टिक हो, मोमेंटम वैसा क्या रहेगा कंजर्वेटिव, तो आप खुद देख रहे हो इसका एम वी इसका माइनस एम वी, तो घटना से घटना बोलूंगा टक्कर में बोलूंगा, घटना से पहले मोमेंटम 0 तो घटना के बाद भी 0 ओके डियर, तो आंसर क्या होगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और सोना है, दो समान मास, देखो साफ कहता दो समान मास इक्वल मास की चमकीली गेंद समान वेलोसिटी से परस्पर लंबवत दिशा में गति करती है, लो जी एक इधर जा रही है और एक ऊपर इधर जा रही है, टकराने के पश्चात एक दो चिपक जाती हैं, चिपक गई तो चेंज करो थोड़ा सा, अब मुझे इतना ही पता है और इसके बाद इनका प्रारंभिक वेग जो है जो भी इनिशियल वेग है वो क्या हो जाएगा 45√2 हो जाता है, इनिशियल वेग है, गलती कर रहा हूं ए ए बिल्कुल बिठाएंगे पड़े से दो, इसकी वेग क्या है 45√2, इसका वेग भी क्या है 45√2, तो वी मान ले यार वी भी है हाँ। अब मुझे इतना ही पता है डियर कि दोनों गेंदें चिपक गई, चिपक गई तो कॉमन वेग हो जाएगा हाँ। लेकिन मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा कंजर्वेटिव, सुनो भाई डियर, घटना से पहले का मोमेंटम
ये मोमेंटम क्या है एमवी, ये क्या है एमवी, दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है, सुनो रे, ये मोमेंटम क्या है एमवी, ये क्या है एमवी, दो वेक्टर जब 90 पे होते हैं परिणामी क्या होता है √2p इक्वल टू m मल्टीप्लाई वी डैश, यस बोल रही, यस यस, देख इसका मोमेंटम एमवी, इसका मोमेंटम एमवी, लंबवत है, क्या होगा रिजल्टेंट √2p, याद है ना, और एक सदिश r दूसरा r, सुन ले नहीं हो तो, जब दो r r सदिश यदि 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा √2r, मोमेंटम क्या है सदिश संवेग क्या है एक सदिश राशि है, अब देख √2p, p क्या होता है m मल्टीप्लाई v, तो m तो क्या है m है, v क्या है पूरा 45√2, अब यहां m क्या होगा 2m, यस m क्या होगा 2m, और ये क्या है तेरा v डैश, देख लड़के √2 से 2 काट दे, M से M काट दे, V dash का मान आ गया 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है डियर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 45 मीटर पर सेकंड, ये तो दोस्तों आपका सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हो गया, कौन काम आया यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ ना वेक्टर का समकाल, वेक्टर का बिल्कुल जरूरी, यहाँ वेक्टर काम आया, मैं चीज़ है, यस, कि दो लंबवत सदिशों का यदि एडिशन करना हो तो रूट टू आर हो जाता है, यस, चलो आगे, चल भैया फिर वही कहानी, ये यार अच्छा क्वेश्चन है, यस, इसको मैं पढ़ के पेपर हाथ में करूंगा, लंबा प्रश्न की पेपर पे जगह नहीं है, ये देखो दोस्तों पेपर ने दिखा, बच्चों क्वेश्चन दिखा, M1 M2 मास के दो गोले ए बी आपस में टकराते हैं, प्रारंभ में ए विराम अवस्था में है और बी है वो विवेक से गति कर रहा है, स्टेज में लफड़ा रहा है, ए आगे है बी पीछे, ना जिसका ए आगे बी पीछे, अब वो कहता है उसके पश्चात बी का वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा से v/2 हो जाता है, तो बताओ टक्कर के पश्चात गोले ए की दिशा क्या होगी, चलो आप पेज खाली करो बेटा, लो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, अगला साफ कहता है डियर कि M1 M2 दो तो गोले A तथा B आपस में टकराते हैं, A विराम अवस्था में है, किशोर पुत्र साथ दे मेरा, ये A है इसका मास क्या है M1, ये तेरा कोण है B है इसका मास क्या है M2, ध्यान दो क्लास, M1 M2 मास के दो गोले हैं, A B आपस में टकराते हैं, प्रारंभ में A विराम अवस्था में है, U2 है, U2 लिखना पड़ेगा इसको, जबकि अक्सर हम सॉरी U1, ये इसका वेग क्या है भैया, अब ये टकरा गए, टकराने के बाद वो साफ कहता है टकराने के पश्चात बी का वेग, प्रारंभिक वेग कौन है बी, डायरेक्शन है, यस, बी का वेग उसके प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत हो जाता है, दोस्तों बी इधर भागता है इधर 90 डिग्री पर, प्रारंभिक दिशा के लंबवत हो जाता है v/2, वो भी कितना हो जाता है v/2 हो जाता है, तो अगला कहता है बताओ गोला ए किधर जाएगा, अब हमें नहीं पता ए किधर जाएगा, माना कि दोस्तों गोला ए कहीं इधर चला गया, ए उधर चला गया, उसका वेग क्या मान लो v डैश, और एंगल क्या मान लो उसका कोई थीटा, बिल्कुल सही, अब हमें नहीं पता क्या है यार संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बोलो हाँ या ना, संवेग क्या रहेगा सुरक्षित, आ जा, तो संवेग क्या है डियर एम बी M2 v प्लस जीरो इक्वल टू, यस ये आपका M2 तो M2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी और पर, इसको अपना वेक्टर रूप में लेना पड़ेगा, तो v2 m2 v/2 j के यस, उस वाले को अपने करना पड़ेगा i के, इसको आपको साथ में लगाना पड़ेगा फिर i के, यस, और ये अगला नॉन अननोन है पी डैश, तो आप इसको क्या कह सकते हैं इसका समय बी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसका संवेग मान लो कि पी है, पी ए मान लो, पी ए मान लेते हैं, येलो वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म ले लो, बिल्कुल, अब बात को आगे बढ़ाएं, अब बात को आगे बढ़ाएंगे तो आप सब जानते हो कि आपको निकालना है पी ए, तो व्हाट इज पी ए, पी ए क्या हो गया M2 v i कैप माइनस M2 v/2 J के भार ले लिया, इसका मतलब है ये दोस्तों जो परिणामी रिजल्टेंट P है ना वो क्या है I प्लस में और J माइनस में, तो I प्लस में और J माइनस का मतलब यहाँ कहीं है, यस यहाँ कहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसका परिमाण निकाल लो, यस तो परिमाण तो कितना निकलेगा अपने इसमें ओनली दिशा पूछी है, तो दिशा कुछ निकाल कर रहा है कुछ निकाल, अच्छा दिशा पूछी है थीटा, आजा दिशा पूछी है तो अपन जानते हैं टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधा, यस लंब कोण जे का, नो टेन थीटा आधा जे अपॉन आई का, सीधी सी बात है जे का अपॉन आई का, जे वाला जे कितना है m/2 माइनस, और ये तेरा m2 सब कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 1/2, यस तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1/2, आजा थीटा इक्वल टू ये रहा टेन इनवर्स माइनस 1/2,
ये एक थोड़ा सा नीट के बच्चे के लिए हल्का सा भारी पड़ जाता है उस बच्चे के लिए जिसको डराती है फिजिक्स, लेकिन आप इसको एक बार रिवर्स करके देखें, कंपोनेंट चेंज कर लो, क्योंकि मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, खास बात है। आई लगा दिया, जे लगा दिया, टेन थीटा का आप जानते हो, जे का अपॉन टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन अक्ष होता है। आगे चलता 16 देख, सेम बात सेम बात। अगला साहब कहता है किसी घर्षणहीन पृष्ठ पे वी चार्ज चलता हुआ एम मास का ब्लॉक उसी द्रव्यमान एम के विराम अवस्था स्थित एक बार बनाओ बनाओ बना दो बना दो बना दो बना दो भैया। ये भी कितने मास का, एम मास का, कितने मास का, एम मास का। यू टू कितना पुत्र है, जीरो जीरो, ठीक है ना। और यू वन कितना भाई, वी। एक बात सुन बच्चे, कुछ बेटे बेटियां उठाते नहीं पेन, बस कुछ पढ़ के बैठ जाते हैं। अरे ऐसे थोड़े होता है भाई, जैसे कहा अगले ने फ्रिक्शन लेस है, वी चार्ज चलता हुआ है, एम ब्लॉक का मास है, दूसरा मास भी एम है, वो क्या है, स्थिर है। टक्कर के पश्चात पहला ब्लॉक, देखो टक्कर के पश्चात ए ऐसा कर, टक्कर करते करते टक्कर के बाद फिर चला आफ्टर कोलिजन पहला ब्लॉक वी बाई थ्री चार्ज से अपने प्रारंभिक गति से थीटा कोण पे इधर नहीं जा रहा है, ये इधर कहीं जा रहा है, इधर कहीं जा रहा है ए, ये थीटा है, थीटा कोण पे किस वक्त जा रहा है, वी बाई थ्री, वी बाई थ्री जा रहा है। तो टक्कर के पश्चात दूसरे ब्लॉक की चाल क्या होगी, पेज खाली कर दे भैया, आ जा मेरे पास डाटा सारे आ गए, बिल्कुल मुझे क्या पूछ जाएगा, बिल्कुल पूछता है, मुझे क्या पूछता है, बिल्कुल। तो अपन एक काम करें, वही संवेग संरक्षित, हां यानी इसमें क्या टक्कर प्रत्यास होगी, एक मिनट कृष्ण वापस आना, इसमें एक बात ध्यान सुनो दोस्तों, अगला स्पष्ट कहता है कि टक्कर प्रत्यास्त है और फिर वेग पूछा है, टक्कर प्रत्यास्थ है फिर वेग पूछा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह अपन क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन इजी रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। तो स्पष्ट कह दिया, हां कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। आजा पेज खाली कर भैया डियर, अब पेज तो खाली करेगा तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, और क्या लिखूं भाई, हाफ हाफ एम वी एम वी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ हाफ एम एम वी स्क्वायर बाय 9 v स्क्वायर बाई 9 प्लस प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी टू निकालना बस। अब एक बात लड़का कहेगा साहब, यार कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज की, कंपोनेंट तो अपने को है उस मोमेंटम से ऊर्जा दिस राशि, हाँ दिस राशि है व्हाट पैदा, यस मोमेंटम क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि वो भी करेंगे उसको करेंगे पढ़ने उसमें हो जाएगा, मोमेंट करेंगे लेकिन बच्चे के लिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं, आज उसके कंपोनेंट नहीं होते, बस अब तेरे सामने सामने हो गया एम 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 सब कैंसिल आउट कर दे तू भी है, और ये वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू कर दे, ये वी स्क्वायर उत्तरी कर दिया, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 9 अपॉन वी टू स्क्वायर, तो 8 वी स्क्वायर बाई 9 तो ये आ गया रूट 8 अपॉन 3 भैया, रूट दो रूट दो एक ही बात, दो रूट दो एट को रूट दो रूट दो कह दो, ओके डी ये तेरे सामने आ गया। अब चलो क्वेश्चन आते वापस, अब यदि पेज खाली करना बेटा, अब यदि मैं इसको मोमेंटम पेज खाली करें बेटा, यदि इसको मोमेंटम पे लेके जाऊं किशोर पुत्र, तो अपन क्या कहेंगे, एम वी एम वी आई कैप आई कैप प्लस जीरो जीरो इक्वल टू एम वी बाई थ्री कोस थीटा आई कैप यस प्लस एम वी टू। अब इसलिए भी अननोन है, इसका मालूम नहीं है, अब ये अननोन है इसलिए अपने इसीलिए अपन गाड़ी यस अपने हाथ हम इसीलिए इस मुद्दे पे आए थे कि अपने आप हाथ पांव रुक गए हमारे, ओके जी इसलिए इसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल ये डिस्कस हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि हम संवेग पे से लेके आएंगे बच्चे को दिखाएंगे हाथ पांव रुक जाते। दोस्तों बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, मेडिकल की एग्जाम में बड़ी कभी आती नहीं कैलकुलेशन, आगे चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ये ऊर्जा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस के फॉर्मूले में सीधा फॉर्मूला है, आप सुनो भाई, दो गेंद टकराई और कितना एनर्जी लॉस हुआ, अब एनर्जी लॉस यहां काइनेटिक की बात ही करेगा ये, देखा जाए तो एनर्जी लॉस कौन है, काइनेटिक है, तो एनर्जी लॉस को डेल्टा के से फॉर्मूला कहता है 1/2 एम वन एम टू एम वन प्लस एम टू वन माइनस ई का स्क्वायर ओ ओ यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, गांठ बांध ले इसको भैया, ये डेरिवेशन कैसे आता है, मैं इसको करना कहीं उचित नहीं मानता, बहुत लंबा डेरिवेशन, ये मास्टर फॉर्मूला है एनर्जी लॉस का, डेल्टा के मतलब एनर्जी लॉस, इसमें अब सुनो यदि मेरी कोलिजन
परफेक्ट इलास्टिक हो, ए का मान एक, ए के जीरो, डेल्टा के जीरो, आप जानते हो पूर्ण प्रत्यास टक्कर, समझे, पूर्ण प्रत्यास टक्कर में कभी निर्दोष है नहीं। अब प्रश्न पे वो कहता अक्ष दिशा में, इस बॉस ए में बात जोड़ना मुझे लग रहा है इसमें कि जब भी एनर्जी लॉस की बात की जाती है ना तो क्वेश्चन तो कैसा भी है पर अगर टक्कर से पहले टक्कर के पश्चात ये टक्कर आपकी सम्मुख टक्कर है सर और एक भी में टक्कर है, सम्मुख और एक भी में टक्कर में चाहे प्रत्यास्थ है चाहे आपकी सामान्य अप्रत्यास्थ है चाहे आपकी पूर्णतः प्रत्यास्थ, उसी में आपका ये फॉर्मूला लागू होगा। अगर गलती से आपकी ओब्लिक टक्कर आ गई, नहीं 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 क्वेश्चन आपका वो हो गया, ये ओब्लिक का है हाँ, इसलिए इसमें अपन इसको लगा, इस पे लागू नहीं होगा, ये कॉमन फॉर्मूला है, इसको वैसे कॉमन में ये फॉर्मूला पर काम आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ाने में एक्चुअल में जल्दीबाजी में करके, बट ये कॉमन फॉर्मूला हमने लिख दिया आगे क्वेश्चन पे आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें उस पे आ जाते हैं। ये कहता है एक्स एक्स दिशा में टू वी चार्ज से चलता, आप ऐसा करो एक्स लो वाई लो, क्यों बोल क्वेश्चन पता, बिल्कुल बिल्कुल बोल भाई थोड़ा सा यार, ये एम दिस इज टू वी इधर जा रहा है, फिर वाई दिशा में कोई दूसरा गेंद जा रहा है, इसका मास 2m, 2m है, इसकी स्पीड v, इसकी भी v, इसकी 2v है, ओके डियर, टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ टकरा गया, पूर्ण अप्रत्यास्थ जुड़ गया। अब वो कहता है जुड़ के जाएंगे इधर, ये तो ये कहता है कि इसके दौरान गति दौरान ऊर्जा का क्षय कितना है, आए करें इसको, पेज खाली करो, यस यस हाँ जी, आप इसको करके बताएं ऊर्जा लॉस बताएं इसका। इसमें जैसे एक तो टक्कर के पश्चात इसका टोटल मास आपका हो गया 3m हो गया, और v डैश बोल दे, और इसकी जैसे स्पीड अपन मान लो v डैश, ठीक है वेक्टर फॉर्म मान लेता हूं, ठीक है भाई मालूम नहीं अपने को, नहीं एंगल का लफड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सही है। अब अपन पहले इसमें लगाते हैं ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम यस, उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास ये मैंने को तो वैसे लगा वो तो आपने पहले बात आई थी उसको लेना हमें अपन, एक घटना से पहले हां और घटना के बाद, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है और बराबर परिमाण है, ये 2u है ये 2m है तो गुणा 2mu है ना, तो तू कह तो ऐसा कर √2 2mv बराबर =3mv बस उसी बात पे आगे m से m कैंसिल आउट कर दे, क्वेश्चन निकाला पुत्र। अब वो क्या कह रहा है कि एनर्जी का लॉस पूछा मैंने, वापस आ जा भैया तो तेरा v डैश की वैल्यू क्या आई रहे, √2 √3v पूरी बात करने तो छोले के साथ, तो डेल्टा के क्या होगा, e फाइनल माइनस e इनिशियल, बिल्कुल व्हाट इज e फाइनल, हाफ m v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर, लेकिन यहां चक्कर है पहले पूरा 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 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा m v फाइनल, इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला, e फाइनल का स्क्वायर माइनस e इनिशियल का स्क्वायर, तो e फाइनल क्या है जरा बोलना किशोर, 1/3m v स्क्वायर * 8/9 v स्क्वायर, 8 यस यस ये 8/9/v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, इसकी प्लस दोनों की तो ये कितनी है, ये हो गया आपके पास हाफ हाफ m m * 4v स्क्वायर माइनस रहेगा, हां बिल्कुल माइनस हाफ 2m 2m * v स्क्वायर, अब देखें ये 2 हो गया वो हो गया v, देखिए ये तो कितना हो गया 2v स्क्वायर, ये अपने पुत्र ये 2 है और ये तेरा v है, ये तेरा इसको काट ले तेरा कितना है 3 है yes. ये तेरा 4 है yes. ठीक है ना 4/3 mv स्क्वायर mv स्क्वायर माइनस 5 3 mv स्क्वायर mv स्क्वायर ये 4/3 माइनस 3 है 3 ओके डियर, अब 4/3 माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 9 9 5/3 mv स्क्वायर ओके डियर, क्वेश्चन राजा 5/3 और 5/3 का मतलब हो जाएगा लगभग अभी इसमें ऊर्जा से हाँ तो ठीक बात है, अब परसेंटेज पूछा ना तो हाँ मतलब इनिशियल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो जैसे आपका लॉस डेल्टा के लॉस अपॉन के इनिशियल बात आएगी, थोड़ा लंबा हो गया है इसको, सोच से अपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉस हमारे पास था कितना 4/3 वाला हाँ अपॉन और इनिशियल थी हमारे पास कितनी 3mv वाला 3 तो 3 बाकी तो सब बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे तो 4/9 हो गया, सॉरी 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 अपने पास ये था अपने 5/3 ये था 5/3 सही सही, तो इसको अपन सॉल्व करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कर लेंगे तो ये हो गया बॉस अपने 5/9 × 100 तो 500/9 तो ये अप्रोक्स हो जाएगा आपका 56% इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, देख लेना यार भाई खुद कर ले यार 500 का भाग दे 9 545 9 54 तो
45 और 54 के बीच तो ये 56% के आसपास रहेगा, 56% आ गया। वैसे ये क्वेश्चन केवल थोड़ी गुणा भाग है, गुणा भाग बाकी आ सकता है एग्जाम में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, फिर अगले ने पूछा कितना 6 हुआ तो आपको उसको रेशियो निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि एनर्जी लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी, ओके डियर। तो ये एक अच्छी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो अपने आप में हुई है। आगे चले, यस आगे चलो, ये वो क्वेश्चन आ गया। बट थीटा ये नहीं, थीटा ये, थीटा कितना काम आएगा इसमें, बस ये मेरा लाडला प्रश्न है। अगला कहता दीवार चमेली वाली बात आ गई, साफ कहता है 100 ग्राम का मास इतने दीवार से टकराता है तो फोर्स कितना होगा। फोर्स तू जानता है, F बराबर क्या है, डीपी बाई डीटी, व्हाट इज डीपी, 2mnv cos थीटा अपॉन टी। 2 m कितना है 100 ग्राम, 0.1 n 1 नंबर ऑफ टक्कर एक ही इसमें, ये हम n लगाते हैं साथ में, यस यस। मल्टीप्लाई v कितना है 5, cos 60 नहीं cos 30, बस सुंदरता क्या है cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 रूट 3/2 t कितना भैया 2 × 10⁻³ ये ले लीजिए, यस। अब इसको तू मल्टीप्लाई कर ले, इसको यहाँ लगा दे, इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे भाई, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है डियर। आप ऐसा करो, ये आपके सामने 10 की पावर पूरा कर लो मैं, 5√3 × 1000/20 इसको इसे काट 4, ये कितना हो गया 250, तो 250√3 आंसर हो गया, 250√3 और लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ थर्ड इसका आंसर, थर्ड आंसर हो गया इसका। देखो ये आसान कब हो गया, ये फॉर्मूला आपको आता है, ये फॉर्मूला आपको पूरा पता चुके, बता चुके थी एंगल हमेशा कहां से नॉर्मल, नॉर्मल के साथ। नेक्स्ट चले भैया, आया ये तो एक सिंपल नीट में आया, बिल्कुल हाँ आप करें इसको, अच्छा क्वेश्चन नीट में आया हुआ। इसमें जैसे बोस अपने जो पूरा एक मिनट क्वेश्चन जैसे मैं पूरा पढ़ ले, पहले टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, दो पार्टिकल हैं जिसके मास m1 m2 हैं और u न्यूट्रल से वो गति कर रहे हैं, ठीक है। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी e, यानी उसमें से एक ने एनर्जी ली और कहां ग्राउंड से चला गया, एक्साइटेड चला गया। इफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स बी v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव, एक तरह से ये हो गया एटॉमिक कोलिजन की बात अपन करते हैं, मान लो कोई एक एटम है ये, सही है, और इसका मास हमारे पास है m1, इसकी स्पीड अपने पास u1, सही है। दूसरा मान लो ये है इसका मास m2 और इसकी स्पीड हमारे पास हो गई u2। अब इनमें आपस में टक्कर हो गई, टक्कर से पहले मान लो दोनों पहले कैसे ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब प्रश्न की डिमांड क्या है कि इसमें से कोई एक एटम आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गया, सही है, तो जो एक्साइटेड हुआ उतनी एनर्जी उसने क्या निकाली, उसने एब्जॉर्ब कर ली, वो पर काइनेटिक में काउंट नहीं होती, सही बात कर रहे हो। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो पार्टिकल था यहाँ पे, इसका मास m1, ये आपकी v1 स्पीड थी, दूसरा मैं यहाँ यूज करता हूँ ये आपका m2 और v2, बस। अब जो एनर्जी इसके पास थी उसमें से निकल के उसके पास चली गई, ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर दो इसकी टोटल एनर्जी इक्वल टू इधर प्लस थी, प्लस थी कर दो, या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये आंसर इससे होगा माइनस आ गया, यस यस यस, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये नीट में ऐसा छोटा सा ध्यान रखना, बिल्कुल नीट में क्वेश्चन है। चल पुत्र ये काम की बात है, चलो आगे चले, आ जाओ फिर सोना क्वेश्चन है। एक बॉल 2 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रही है, दुगने द्रव्यमान के इतने अपन देखो अपन जो अपन ज्यादा मान बिना डायग्राम से तो बड़े गया m 2m 2 मीटर/सेकंड ये जस्ट में, यदि प्रत्यास्थ गुणांक 0.5 है तो संगठन के पश्चात उनके वेग क्या होंगे। सुनो बच्चे ध्यान दे, संगठन के पश्चात वेग पूछे दोनों के, यस v1 और v2 के, v1 आ जा आ जा आ जा जो बेसिक फॉर्मूले अपन ने बनाया, आ जा आ जा m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस 0, बस सोते मेरी बात को ध्यान दे। अगला साफ साफ कहता है मास दुगना है, दुगना देख, m1 का मान क्या है भैया m, m कहते हैं इसको, E का मान क्या है 1/2 इसका मान क्या है 2m, जीरो गए, जीरो गए अपने आप ही, चल v2 पे आ जा, तो v2 क्या है 1 प्लस e मल्टीप्लाई m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1, ये कितना हुआ 1.5, यस। ये तेरा क्या है m, m ये तेरा कितना है 3m, ये तेरा क्या है v कितना है 2/2, ठीक है, ये 1.5 से 2 से 2 1 आ गया, एक आ गया आंसर, आ गया सेकंड।
कब आया ये? सही कहा था आपने, फॉर्म लगा दिया, फॉर्म लगा दिया भाई। इस टॉपिक की मास्टर चाबी यही है, जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा दोस्तों, आप ओरिजिनल पढ़ के अपने आप के साथ एक मजाक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। इसी बात थोड़ी आगे चले, ये याद किशोर चार फॉर्मूले हैं। हाँ, ये चार फॉर्मूले हैं जो अल्टीमेट फॉर्मूले हैं। मैं चाहता हूं कि इन चारों फॉर्मूले बात की जाए, और देखो लास्ट को याद रखने पड़ते हैं, ये कोई इसको याद निकाल नहीं सकता एग्जाम में, जिसको याद नहीं हो निकाल नहीं सकता दोस्तों। ये तो इसकी कुल दूरी है, कुल दूरी से पहले एक पेज खाली करना। पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, एक गेंद छुट्टी यहां से देखो ऐसे आई फिर ऐसे चले, तो एक मैं आपको करा देता हूं। माना कि गेंद एच ऊंचाई से गिरी, यस, और वापस कितनी उछली? H1। फिर ये वापस कितनी उछली? H2। फिर वापस कितनी उछली? S3। ऐसे माना ये n बार अनंत बार। अब मैं एक ही बात जानता हूं कि E इक्वल टू मेरे सामने फॉर्मूला है रूट H1 बाई एक्स, ये याद रखना पड़ेगा। E हमेशा बाद वाला जो टक्कर के बाद की ऊंचाई अपॉन टक्कर से पहले की ऊंचाई। ये मेरा मैं कलर चेंज कर दूं तो ये सीन मेरा यहां तक आ गया, ये मेरी एक ओरिजिन हो गई। तो इसमें मेरे को H1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा H आ गया E स्क्वायर H। हाँ, बिल्कुल। अब इस घटना पे आता हूं यहां, तो यहां मेरा E क्या होगा? रूट S2 बाई H1। तो अब E फिर मुझे H2 निकालना है, तो H2 मेरा क्या आएगा? E स्क्वायर H1। अब मेरे पास E स्क्वायर तो है ही है, अब मेरे पास E स्क्वायर तो यहां बैठा है, और ये क्या है? E स्क्वायर H। तो ये क्या हो गया? E की पावर 4। Yes, फोर कर सकते हैं, इसको तो मेरी एक घटना यहां तक और पूरी हो गई है। बिल्कुल, अगली घटना में आओ तो इक्वल टू क्या आएगा? रूट H3 बाई H2। तो मेरा वो H3 क्या आएगा? E स्क्वायर H2। ये मेरा E स्क्वायर, मेरा E क्या है? E की पावर 4H। तो आप क्या देख रहे हो? डबल हो रहा है। तो एन टक्कर हो, एन में टक्कर में, तो एच एन का मान क्या होगा? E की पावर 2n मल्टीप्लाई H। बिल्कुल सही। ये डियर तीन फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको हमने कंप्लीट निकाल के बता दिया, दो फॉर्मूले आपको मेरी सजेशन से याद रखने थे। ये है एनीवे उछाल के बाद ऊंचाई, हाइट आफ्टर एन जंप, ठीक है डियर। एक प्रश्न पूरा हो गया। अब वो क्या कहता है? दूसरा हेडिंग होता है इसका, उछलना बंद करने के पहले गेंद के द्वारा चलेगी दूरी क्या है? तो डियर वो फॉर्मूला आपको याद हो तो H इक्वल टू क्या लिखोगे? H, पहला H इनटू 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, याद रखना होगा। एक क्वेश्चन और है, उछलना बंद करने के द्वारा इस गेंद के द्वारा लिया गया समय, तो समय की बात जब करेगा इसका फॉर्मूला 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E रूट 2H by G। भाई साहब ये अब डेरिवेशन में सारे करूं पॉसिबल नहीं है, मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं। क्या कहता है? अब सुनो, अब बैठ पे आओ। यदि मैं किसी वस्तु को छोड़ता हूं एच ऊंचाई से ऐसे टकराती है, तो कहता है एनिमी टक्कर के बाद कितना उछलेगी? यस, रुकने से पहले कितनी ऊंचाई? टोटल दूरी, दूरी क्या करेगी? और रुकने से पहले समय क्या? कितना समय लेगा? ये तीन फॉर्मूले हैं, याद ही करने पड़े, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है डी, आगे वापस। तो ये तेरे सामने आ गया, पर साहब कहता है कण एच ऊंचाई की स्थिर क्षति हो, भाषा हुई है, विराम में आने से पहले इसके द्वारा चली गई दूरी, तो एच वन प्लस ई स्क्वायर बटे वन माइनस ई स्क्वायर। दोस्तों 21 का आपका आंसर क्या हो गया? बस फर्स्ट देखो, सबसे इजी था एनिमी टक्कर में हाइट को निकाल दिया, अगले दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। करेंट डेरिवेशन आप किसी कोचिंग का पढ़ रहे हैं तो करेंट डेरिवेशन स्कूल में करेंट टीचर डेरिवेशन तो ही, बट एग्जाम में डेरिवेशन काम नहीं आते, याद होता काम आता है। उसको बस याद करा दो मेरे एक बुरा आ गया, क्लिक कर पेज खाली कर, पेज खाली कर, बता करो, बता दो बारे बालक को बता। जैसे क्योंकि ये बच्चों की समस्या रहती है, हां हमने यहां से गेंद को यस ड्रॉप करा, ये इसकी टोटल आपकी हाइट इनिशियल थी एच, तो आपने इसको गिराया है विराम से सर, तो टक्कर के ठीक पहले इसकी स्पीड अपन ने मान ली यहां वी सर, वो हो गई रूट 2gh। बिल्कुल फाइनल है। अब एक्चुअली जो फर्स्ट टक्कर है ना, हाँ पहली टक्कर है वो बाइट में बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए बच्चे के, सही है, कि उसमें हाइट कितनी है, इसमें टाइम कितना लगा, टी आपका है रूट ऑफ 2h बाई जी, ये पता है अपने को। बस अब दो चीजें पता है,
अब देखो जैसे पार्टिकल पहले यहाँ टक्कर करेगा, वापिस रिबाउंड हुआ, फिर आया, इसकी बारंबार टक्कर होंगी और एनर्जी लॉस फ्रॉम संपूर्ण होने के लिए इसको व्यवहारिक रूप में, आदर्श रूप में इसमें अनंत टक्कर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब इसका मतलब बहुत से इसके स्टेप बन गए। सही। अब जैसे बोस आपने जो फॉर्मूले बताए, मैं उसको मान लो मुझे याद करने हैं तुरंत उसको, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे निकालना है टी टोटल। ठीक है, तो आप दिमाग पहले रखो कि पहली टक्कर का टाइम कितना था, रूट टू एच वाई जी एक्स वाई सी। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो फर्स्ट टक्कर में कितनी आप डिस्टेंस तय करी एच। ठीक है, पहले इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने अब देखो चूंकि ये वैल्यू एक से बहुत बड़ी है। सही, ये भी एक से बहुत बड़ी है, इसलिए यहां जो आप जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, यहां जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ये प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस और ये माइनस, ये आपको करना ही पड़ेगा। सही। अब रहा इशू आपका वन प्लस ई स्क्वायर और वन माइनस ई स्क्वायर, यहां पर वन प्लस ई और ये वन माइनस ई, ई का मान एक से छोटा होता है, ये ट्रिक हो गई, ट्रिक हो गई। और एक बात और जोड़ दूं सर, जैसे अपन टक्कर होती है सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर, सही है, सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर में अपन ये पूछते हैं कि मान लो ये पार्टिकल एक, इसका मास है m1, इसकी स्पीड आपकी u1 है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास है m2, इसकी स्पीड हमारे पास है u2। वहां ये पूछता है कि अगर ये m2 पहले रेस्ट में है तो टक्कर के पश्चात इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड आपकी v2 है, उनका रेशियो कितना होगा। सही है। अब अपन ये जानते हैं कि टक्कर से पहले ये पास ही दूर, यानी पास से टक्कर पहले पास आ रहे हैं। ठीक है, कि टक्कर के पास दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीड बड़ी छोटी। सही है। अब ये बड़ी स्पीड छोटी स्पीड आ गई, तो दिमाग में ये बात है कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें दोनों चीजें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। सही है। पर ये पहले से मालूम है कि टक्कर के पश्चात दूसरे बल की स्पीड ज्यादा है। सही है। इसका मतलब v2 बड़ा है, तो 1 plus e upon 1 minus e, और इसमें है तो 1 minus e upon 1 plus e। ये तीन फॉर्मूले इसके बेसिक होते हैं, आराम से बच्चा गलती करता है पर यहाँ अब बच जाएगा। ये चीज सबसे काम की निकल जाती है। बिल्कुल, मैं एक बार मेरे दिमाग की बात आ गई, हम खेलते रहे दोस्तों। अभी आपको हमने पढ़ाया v1 माइनस v2 बराबर e u1 माइनस u2। आपको यदि क्या निकालना है, v1 अपॉन v2 निकालना है। yes. तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन जो निकला वो यही है कि v2 बटे v1 जो है वो 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। ये इसी का सारा डेरिवेशन। हाँ। पर ये कुछ फॉर्मूले इस क्वेश्चन के में जो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। किस प्रैक्टिस से? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू डियर, आगे चलो। इसकी हमारे पास स्पीड तो है v और काइनेटिक एनर्जी बोला के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी e है। हाँ। इधर रखा आपने, हाँ, इधर रखा e है। हाँ। तो ये e अपना सिंबल है इसका। ठीक है, कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली हेड ऑन विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बिल्कुल, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये रेस्ट में है। ठीक है, इससे कोलिजन हो गई, तो टक्कर के पश्चात आपसे पूछा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर अगला साहब कहता है तो कुल ऊर्जा का हुआ भाग न्यूट्रॉन में बचा रहेगा शेष रहेगा, मतलब शेष रहेगा। इसके पास पहले कितनी थी, हाँ। इसके पास बाद में कितनी थी, तो पहले वाले में से बाद वाली घटाएंगे तब आपकी शेष आएगी। सही है, निकालो। तो वो आपका फॉर्मूला है। तो इसमें अब इसमें दिक्कत ये अपने को कि पहले मास आपको दिए हुए नहीं है, तो अगर कहीं पर भी इस तरह से एटॉमिक वाला कंडीशन आ जाता है ना, अगर आपके पास मास नंबर इसका ए है, हाँ। तो जो इसमें पर पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, वहां ए मान लो, किसी की भी जैसे मान लो पढ़ते हैं जेड एक्स ए, आप वो एक मास मान लेंगे, ए इसको ए मान लेते हैं, ए इनटू यू, यानी ए इनटू यू आपने इसको मान लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर एटॉमिक मास सब ए भी मान लो काम हो जाएगा। बिल्कुल, पर उस फिर एक मानना पड़ेगा, इसको एक मानना पड़ेगा, नहीं इसको अपन यू मान लें। सही है, ऐसा मान लो कैलकुलेशन भी कट जाएगा। सही है, ये मतलब फायदा रहेगा। सही है। अब जैसे इसके पास हमारे पास एनर्जी कितनी ई है, पर ई रियल में है कितनी, वो तो आपकी होगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इसको इधर रखा है। ठीक है, अब टक्कर के पश्चात अपन बात करते हैं, तो ये हमारे पास मास इसका तो u था, इसकी स्पीड होगी v1। ठीक है, और अपने को तो इसी पे काम करना है, दूसरे काम करना ही नहीं है भाई, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि वह भाग जो भाग मतलब अंश इनिशियल रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो बचा रहेगा। ठीक है, इसके टक्कर के पश्चात जो अपन निकाल लें काइनेटिक एनर्जी के ई1, तो वो है अपने पास हाफ m into v1 square। अब v1 का अपने को फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। आया v1, yes। v1 पेज खाली कर भैया। देख dear, मैं मेरी बात से बात को थोड़ा समराइज कर दूं मेरी भाषा में। हाँ। कि ये आपका एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है। ये एक एटम है। एटम। तो अपन इसको मास को एक कहें। एक। तो इसके मास को मैं कलर चेंज करूंगा। यस। थोड़ा सा।
इस मास को मैं एक कहूं तो इसको अपन ए कह देंगे। बिल्कुल दंत केमिस्ट्री में। यस यस। अब आप ये कह रहे हो कि रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या कह रहे पहले वी है, वी है, और टक्कर के बाद इसके पास कितनी रहेगी, तो टक्कर से पहले इसकी एनर्जी है हाफ एम 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 को देख कर दो एक गुणा यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू जो भी इसकी एनर्जी है उसको क्या बता दिया ई कह दिया। अब टक्कर के बाद इसके पास कितनी है, तो टक्कर के बाद इसका वी गुण निकालो, भूल गया क्या है एम वन है माइनस एम टू, मैंने कहा ना मास्ट चल रही है इसकी, और ये कौन है डियर, ये आपका इनिशियल यून वी यून। हाँ अब आ जा, तो तेरे सामने सामने इसको मैं कह दूंगा सॉरी वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए, और यून क्या है यू वी वी, ये कौन है ये टक्कर के पश्चात टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है, इसको मैं ई फाइनल लिखूं तो हाफ एम एम तो एक है मेरे हाफ एम स्क्वायर, हाँ तो हाफ ए अपॉन वन माइनस ए, हाँ बिल्कुल ठीक है आपका इसका स्क्वायर बिल्कुल। अब अगला क्या कहता है, अपने को इसमें पूछा कि इसमें कि अब ये इसके फाइनल आ गए किसको दिखा भैया, अब ये कहता है कि कुल ऊर्जा का वह भाग जो न्यूट्रॉन में शेष बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है, ये शेष बचा है, ट्रांसपोर्ट पूछा नहीं अपन से, ट्रांसपोर्ट पूछा तो पहले वैसे घटाते हैं, सही बात है, तो ये हमारे पास फाइनल आ गई, पर पूछा क्या अंश यानी पहले के रेशियो में, रेशियो पूछा है ए ए ए हाफ एक गुणा बी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया बी स्क्वायर से, तो वन माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए, बट यहाँ आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पूछ रहे आप, ए माइनस वन का स्क्वायर करो चाहे वन माइनस ए का स्क्वायर करो, आंसर क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है, यस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है, अरे तीन माइनस चार का स्क्वायर को चार माइनस तीन का स्क्वायर को, ये वास्तव बहुत शानदार, लेकिन ये कब है जब आपको फॉर्मूला याद है अच्छी तरह से याद हो, सारा खेल उस फॉर्मूले का ही है। चलो पुत्र अगले पे आ जाओ, फिर हमारा दाड़ा क्वेश्चन आ गया भैया, एम मास देखो जो अपन फिक्स घोड़ा बनाते हैं, ये एम ओ वन वेलोसिटी क्या है 40 एक समान वेग से, अगला क्या है एम टू स्थिर U2 equal to 0, इसके पश्चात दोनों एक पिंड एक साथ A एक साथ कर दे, क्यों एक साथ कर दिया ना, yes. इससे चलते हैं 30 मीटर पर सेकंड चलते हैं, इनके द्रव्यमान की निष्पत्ति M1 by M2 बताओ, तो भैया मुझे और पता हो ना हो मोमेंटम हमेशा कंजर्वेट है, तो पेज खाली कर ले भैया, मोमेंटम कंजर्वेट है तो 40 M1 प्लस 0 इक्वल टू 30 M1 प्लस M2 कितना आसान है यार, बिल्कुल 30 M1 प्लस 30 M2 इतना क्या बचा 10 M1 इक्वल टू 3 M2 किस बारे में क्या पूछ रहा है, M1 बाई M2 आजा M1 बाई M2 30 बटा 10 3:1 सुना जा बेटा 3:1 3:1 का आंसर आ गया भैया, ये ले जी क्या दिक्कत है, ये आपका आंसर बन गया भैया बिल्कुल, बट वही कहानी वही फॉर्मूला, आगे चले ये देख ले, ये मेरा लाडला क्वेश्चन है, एक बोल है इतने मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं इतना गुणांक है, तो बोल कितने समय बाद दोबारा सतह से टकराएगी, दोबारा कितने समय बाद टकराएगी, तो आप जरा करें इसको सवाल फॉर्मूले पे आओ इसको पूरा कर दो आप, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, नीट भी पूछा जा चुका है, हाँ कह रहा है कि ए बोल आफ्टर फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर, बेटा डायग्राम बना फटाफट, ए गिरा मान लो अपने पास कोई बॉडी है गिराया आप इसको जस्ट अपने ड्रॉप किया है और इसको 4.9 मीटर से गिराया 4.9 मीटर, एक बात ध्यान रखना 4.9 लेते हैं जी का मान लो 0.8 होता है, ये बहुत काम चीज है उसी लिए दिया है, हां तो अब जैसे जो फर्स्ट कोलिजन है ठीक है, पहले तो हमेशा इसमें मैंने पहले भी कहा था कि पहले कोलिजन को ढंग से अपने को आना चाहिए, तो फर्स्ट कोलिजन में इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा वो अपन ज्ञात कर लें, रूट हमारे पास था रूट एच को ओपन करते मान लो 4.9 अपॉन 9.8 है, दोनों बराबर हो गए, हाँ तो 1 सेकंड आ गया, 1 सेकंड आ गया, यानी ये वस्तु यहां से चल के यहां तक आने 1 सेकंड लेगी, बिल्कुल अब ये ऐसे टकरा के ऐसे आएगी, बस ये जो ऊपर वाला समय है हाँ वो है जाने का आपका T1, हाँ तो आने का भी T1, तो हमसे पूछा है कि पहली से दूसरी के बीच, हाँ तो दूसरी से पहले के बीच में कितना T1 प्लस T1, तो हमारा कुल जो समय आपने को जो चाहिए, हाँ जो हमारा कुल समय आपको चाहिए वो है 2T1, यस अब अपन जानते हैं 2T1 T के फॉर्मूले से अपन S के बताए थे, जैसे बॉस ने बताया था अभी कि जैसे अपन ने S का बोला था Xn हमारे पास था e की पावर 2n into h, yes. इसी प्रकार से अगर Tn निकालना हो तो e की पावर n into t फर्स्ट वाला, ठीक है इसी तरह से अपने को निकालना हो इसमें
आपका वेग निकालना हो वी एन, तो वी एन आपका होता है वी की सॉरी ई की पावर एन इंटू वी, जो फर्स्ट वाला ठीक है। तीन फॉर्मूले हो गए, हाइट का, टाइम का और स्पीड का। हाइट का 2h है, ई का n है और v का भी n है। फर्स्ट फर्स्ट के बाद ये बड़ा n के बाद बात करते हैं। यस यस बस अब अपने को t1 निकालना है, तो t1 हमारे पास था e की पावर 1 फर्स्ट का, तो क्या तो e की पावर 1 * t। अब अपन सब दे रखे हैं 2 * e1 हमारे पास है बॉस कितना 4 है, ये लो अपन ने पुट कर दिया। t अपन ने ज्ञात किया था 1 सेकंड, ये * 1 कर दो तो ये इसको इससे उड़ा दो 2 3/2 यानी 1.5 घटना को पूरा कर देती है, इसको बोले फर्स्ट घटना। फर्स्ट तो फर्स्ट घटना में कितना उछलेगी, तो e की पावर 2n/h। यस फर्स्ट घटना का टाइम क्या होगा, e n की बाई t। yes. और उसका वेग क्या होगा, तो e की पावर n v। yes. t को t से गुणा करो, v को v से गुणा करो, h को s से, h में क्या आएगा वो 2h। 2h ठीक है, बिल्कुल। और ये आपके सामने पूरी एक व्यवस्था होगी। व्यवस्था, थैंक यू। आगे चलो, फिर वही बात आ गई, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, m मास का एक कण v नोट वेग से गति करता हुआ एक m द्रव्यमान के लोलक टकराता है, टक्कर के बाद कण लोलक के चिपक जाता है, लोलक के द्वारा प्राप्त खाली जगह बेटा, ये भैया मास्टर पेज है, सुनना। ये एक पेंडुलम है और ये दोस्तों आपकी कोई गोली जा रही है, पहले गोली m u कैपिटल m बराबर सेम मास सेम बात को u1 u2 और टकराने के बाद दोस्तों इतना ऊपर उठेगी, ऐसे कितना ऊपर उठेगी, तो एच ऊपर उठे, तो एच ऊपर उठी तो सीधी सी बात है कि एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मास फंडा है ये आपका टक्कर के जस्ट बाद जाता है इसका वेग, इसका मतलब ये है कि वी इक्वल टू उसमें काम आता है रूट टू जी एच का अंडर दी रूट। और जैसे गोली गुटके में फंस गई डांगना, मास क्या हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया डांगना, इसका मास क्या हो जाएगा, इसका डबल डबल स्पीड आधी हो गई, स्पीड आधी। तो इसमें जैसे अपन h निकाल, अपन h पूछा है, हाँ, तो h हमारे पास इससे कितना गया, v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g, तो अपने v कितना आधा कर दिया ना, हाँ, तो इसमें v को अपन आधा करके रखेंगे, हाँ, तो देखो अपना 1 अपॉन 2g हो गया, हाँ, और 1/2 का स्क्वायर यानी v स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन 8 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, v स्क्वायर अपॉन 8, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान दे क्लास थोड़ा सा बात पे, क्या कहना चाहता है, मैं फिर से इसको करूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ एम मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट स्ट्राइक्स ए सिंपल पेंडुलम, उसके बाद अंदर घुस के पेंडुलम ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ऊपर गया पेंडुलम को। yes. तो पहली बात को तो ये निकालो कि वेग क्या है पेंडुलम का, ये गेन ये और आप ऐसे मान लो ऐसे हो गए। yes. तो ये कौन है, एम, दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल। ये तेरा कौन है, एम वी नॉट, ये क्या है तेरा, जीरो, और ये तेरा क्या है, 2mv' v' m से हम कैसे लाओ, ये ले, तो v' का मान क्या हो गया, v0/2, ये सिस्टम जो ऊपर जा रहा है वो v0/2 से जा रहा है, v0/2 से। अब वो कितने हाइट पे जाएगा, तो आप जानते हो यहां पूरी पूरी कोण हाफ mv2, वो कहां कनेक्ट होगी, आप mgh में, बिल्कुल। अब आ जाओ, फिर ले कर लो, अब mgh इक्वल टू क्या है, हाफ mv2, m से हम कैसे लाओ, पूछा क्या अगले ने, h, तो h का मान क्या आया, 1/2 जी नीचे आ गया, v क्या है, v नोट स्क्वायर बाय 2, तो 4 हो गया, तो ये v नोट स्क्वायर बाय 8 जी आंसर। दो बार करते चले जाओगे क्योंकि काम की चीज है, बिल्कुल। आगे चलो पुत्र, अब वो अपने वाला प्रश्न आ गया, m मास का एक गोला नियत वेग u से गति करता हुआ समान मास के अन्य गोलस्थ कराता है जो प्रारंभ में स्थिर है, e प्रत्यास्थ गुणांक है, तो टक्कर के बाद दोनों गोलों के वेग का अनुपात क्या होगा, दोनों गोलों के वेग का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब पहले गोला अपॉन बाद का गोला, तो 1-e/1+, बिल्कुल वो कम हो गया v1, उसी अब दोनों ऑप्शन पढ़े, ठीक है, तो आराम से अपन फर्स्ट कोटि करेंगे करेंगे। यस अच्छा, ऐसे नहीं करें, मुद्दे की बात पे आए, तो मुद्दे की बात पे आए तो v1 इक्वल टू मत तेरे लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक मिनट पेज खाली कर रहे हैं, एक बार मैं अंत में फिर लिख लिए, m1 - em2 m1 + m2 u1 + 0, यस नहीं नोट 0 पूरी बात करना चाहिए, 1 + em2 m1, लड़के जब मैं आलस नहीं कर रहा हूं तो भी आलस मत कर, टॉपिक एंड पे आ रहा है, मैं केवल और केवल तेरी प्रैक्टिस करा रहा हूं, 1 m1
एम वन प्लस एम टू, तेरी तेरी केवल तेरी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं मैं, ई एम वन प्लस एम टू यू टू। अब क्वेश्चन साफ कहता है कि दूसरी गेंद क्या है, कुछ रहना बेटा, साफ कहता है समान द्रव्यमान के अन्य गोल चले तो प्रारंभ स्थिति और समा पेशारी कर, ये चीज तेरी जीरो हो गई। यस, मैंने केवल अभ्यास करवाया तेरा। अब आ जा V1 अपॉन V2, चलो पहले एक बार V1 निकाल, बाद में बताते हैं V1। क्वेश्चन वापस आ, इसका मास भी m है, उसका मास भी, आ जा आ जा, उस मास m है ना, तो ये तेरा क्या हुआ 1 minus m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 minus e upon 2 u, और V2 क्या है 1 plus e upon 2 u, या 1 minus e upon 1 plus e। आया मजा बात कर, चीज वही घूम रही है, फॉर्मूले कोई काम आने, एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला एक ही भाई एक। आगे चलो, ये एक सोर्सर स्प्रिंग का क्वेश्चन आपका है, इसको आपने कहा था फिर ये क्वेश्चन आपका आप क्रैश क्वेश्चन को, तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लें अपन। ब्लॉक ए इस क्वेश्चन को समझो बच्चों को, हाँ वो कहता ब्लॉक ए ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग कोई है, उसे ए ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक बी वी वेग से गति करता हुआ ए को ऐसे टकराता है, इसके चिपक जाता है, तो V किस मान के लिए स्प्रिंग को ठीक अपने सामने सामान्य लंबाई में प्राप्त कर सकेगा। ठीक ठीक है, तो बेस खाली करना है, इसका बेस खाली करोगे, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब इससे पहले अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, तो उसको भी शामिल करते हुए अपना एक शानदार सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दें बिल्कुल, अपन जीरो से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप बता रहे पहले मान लो हमारे पास ये कोई एक स्प्रिंग है, हाँ, और ये इसकी अभी है नेचुरल लेंथ, हाँ, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के, ठीक है। अब अगर मैं इससे किसी मास को लटकाता हूं या इसको जोड़ के फ्री कर दूं सर, तो जैसे इसको फ्री करता हूं तो आप ये देखें कि ये ब्लॉक आपका कुछ एक्सपेंड होने के पश्चात, मान लो इसमें एक्स विस्तार हो गया, यस, और एक्स विस्तार होने के पश्चात वापिस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम आपका साम्य अवस्था में आ गया, ये साम्य अवस्था हमारे पास है, ये क्वेश्चन पर दे रखी है, इसका मतलब पर दे रखी है, तो इसका मास स्मॉल m है, तो नीचे बल आपका लगा mg और ऊपर x विस्तार होने से लग गया आपका kx, तो क्योंकि प्रश्न में इसकी डिमांड पड़ेगी हमने को, तो kx बराबर mg कर दो यहां पे, और इसको बराबर करने से हमारे पास x कितना है, वो है mg by k, k फिक्स होता है, मतलब ये है कि अगर किसी k स्प्रिंग वाली के बलितान वाली स्प्रिंग से m मास पर लटका हुआ है तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना विस्तारित है वो हमारे पास x है mg / k, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो क्वेश्चन अपना ये है कि ये अब जैसे यहां तक इसको अपन एक्सपेंड कर दिया है, तो पहले से हमारे पास यहां तक स्प्रिंग है और इससे ब्लॉक जो स्मॉल एम मास का ए लटका हुआ है, और फिर हम क्या करते हैं इसके साथ दूसरा स्मॉल एम जिसका मास बी स्मॉल एम, वो अपन स्पीड बी से इस पर टक्कर करवा रहे हैं, सही है। अब देखो यहां से क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो स्टार्ट होती है, सही है, जैसे इसे टक्कर, और यार तो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर इक्वल टू MGH, चीज कोई लगनी है, तो थोड़ा सा अपने उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब ये इसे टकराएगा, टक्कर हमारे पास से कह रहा है कि दोनों आपस में चिपक गए, टक्कर हो गई पूर्णतः अप्रत्यास्थ, और समान द्रव्यमान के टक्कर के ठीक पश्चात जो ब्लॉक पूरा बनेगा उसको भी देखो पूरा एक बार बना दूं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों मान लो साथ अटैच हो गए, तो इसका मास हो गया आपका 2m, और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी vc कह दूं वो है आपकी v / 2, और अगर इसको अपन निकाल ले मान लो तो ये इसका अपन लगाते हैं y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m * v + 0, जस्ट m * v हो गया, इसका 0 हो गया, बराबर ये दोनों साथ जुड़ चुके हैं, तो मास कितना आपका हो गया 2m vc * कर दूं मैं इसको vc, अब ये आपका m से m कैंसिल, तो 2vc बराबर कितना हमारे पास v है, तो मैंने ये लिखा था ना अभी यहां पर vc = v / 2, नीचे वाले को कितना कम से कम वेग दें जिससे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, इतना विस्तार था वो इसमें जीरो हो जाए, वापस समय आ जाए, मूल का मतलब अपने मूल अवस्था में, आप एक मिनट देखो साफ लिखा है क्वेश्चन में अपने सामान्य लंबाई प्राप्त कर ले, हाँ। अर्थ इसका मैं बताऊं मोटा मोटी क्या है, एक लटकी स्प्रिंग है, यस, इसको इतना धक्का मारे कि उस वापस सिकुड़ जाए, सिकुड़ के अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, बिल्कुल सी बात है, यस यस, जहां तक आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक अपन लगा देते हैं, जहां भी अपन पहले भी डिस्कस करते आए इस चीज को कि जहां पर भी स्पीड का एनर्जी का रोल आ गया, जहां पे आपकी कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह आ गए, सीधे हमने यहां पर
WET का उपयोग कर लेना चाहिए। WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं W all बराबर डेल्टा K। यस। अब पहले सोचो यहां पर कि कौन कौन से बल है, ठीक है? तो ये तो ग्रेविटेशन फोर्स है, yes. एक आपका स्प्रिंग फोर्स है, ये बल, उसके अलावा बल बल है नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर कि W स्प्रिंग yes. प्लस W ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू एनर्जी बराबर डेल्टा के, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अब देखो डेल्टा के में अपन जानते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो जैसे ग्लोब पहले यहाँ है, इसके पास स्पीड है, पर जैसे ही अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे तो रुक गए। इसका मतलब फाइनल स्पीड आपकी होगी जीरो, तो ये तो होगी जीरो, तो बचा यहाँ पर ओनली माइनस का के इनिशियल। यस। तो वो वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन इस पे चर्चा करते हैं ढंग से, तो इसको अपन अब पेज को खाली कर दो वापस, देखो ठीक हो जाएगा। देखो तो अब अपने पास मोटे तौर पर क्या है, देखो वापिस इसको बता दूं आपको, ये हमारे पास था 2 mass का ब्लॉक, ठीक है, और इसके पास स्पीड थी कितनी, और इसका विस्थापन ऊपर, तो बर्डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव, जो एमजीएस होता है, एक्स पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। दूसरी बात, स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर है, विस्थापन भी ऊपर है, तो बर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। बस ये दो चीजें आपको लेनी पड़ी थी, तो मैं इसको लिखूं तो W स्प्रिंग प्लस W आपका ग्रेविटेशन, और यहां तक हम आ चुके थे कि इनिशियल। बस अब W स्प्रिंग फोर्स, अभी हम कह रहे थे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, प्लस प्लस, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के, और एक्स हमारा ये है, तो कर दूं इसको m स्क्वायर स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ठीक है, और k यहां से बढ़ाऊं तो थोड़ा सा, ठीक है। अब wg वाला इंपॉर्टेंट है, ये नीचे है, विस्थापन ऊपर है, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस mgx, m ध्यान दो, m कितना है 2m, यस यस 2m, m आपका हो गया 2m, 2g और gx फिर देखो कितना है, जानो पूरी mg / k, mg / k बराबर माइनस k। अब ये k इनिशियल कौन सी है, इनिशियल चाहे इसका लो चाहे पहले वाला, उतनी रहने वाली है, तो इससे अपन ज्ञात करें, मान लो कि इनिशियल तो हमारे पास भाई हाफ और 2m इनटू ये है v बाय 2 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ, तो आपके पास है माइनस का m स्क्वायर बाय 4 है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर ले, और आपने भी पूछा है, अब देखो k से अपन की उड़ा दिया, हाँ, तो क्या बचा, तो तेरा ये तो आधा है, ये दो दो है, तो माइनस साढ़े तीन हो गए, साठ माइनस साढ़े ऐसे कुछ दूसरे माइनस साढ़े तीन, यस, एम स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर के बराबर माइनस माइनस m v स्क्वायर बटे 4, तो m से m कैंसिल आउट कर दे, बिल्कुल 2 से उड़ा दे उसको अपन, मान लो ये 2 से 2 उड़ा दे इसको, ये 2 आ गया, तो अच्छा हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आंसर का आंसर क्या है, 6 m g स्क्वायर k का रूट, बिल्कुल आंसर हो गया, सेकंड हो गया, ये लो, ऐसे लंबा है कोलिजन, हां पूरा नहीं, फिर भी इस इच्छा थी हमारे किशोर की, वो कराएंगे क्वेश्चन वाले का, ठीक है, तो आगे चलो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है, रियल कोलिजन का चकमा देने वाला क्वेश्चन है, बस कोलिजन का सबसे मस्त क्वेश्चन है। वो कहता है वी वेग से गतिमान m ग्राम की गोली m ग्राम के लटके हुए लकड़ी से जाती है, जिसे लकड़ी का तख्ता h ऊंचे उठ जाता है, लकड़ी तख्ते का प्रारंभिक वेग, देखो सुनो भाई, इसका मेरा एक सिंपल एग्जांपल है, मैं ऐसे बताता हूं, एक ही बात, ठीक है, अंदर घुसी और फिर अगला क्वेश्चन मैं यहां इसका दूसरा डायग्राम बना दूं, तो ये यहां से फिर उठ के यहां, ये घटना से पहले घटना हुई, ये घटना अंतिम अवस्था आ गई। अब ये कहता है तख्ते का प्रारंभिक वेग क्या है, तख्ते का प्रारंभिक वेग का मतलब है कि टक्कर के ठीक बाद तख्ते का वेग, बिल्कुल बिल्कुल तख्ते का ठीक बाद वेग, संवेग संरक्षण m v प्लस जीरो, यस, क्योंकि तख्ता पहले रुका हुआ था, इक्वल टू m m मल्टीप्लाई कैपिटल बी, तो कैपिटल बी मान लेते हैं, एम प्लस एम मल्टीप्लाई बी, इस वेग से तख्ता ऊपर जा रहा है, खाली करना, और कितना ऊपर जाएगा, एच, तो एम प्लस एम
जी एच हाफ एम प्लस एम प्लस एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम प्लस एम का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों इससे काट, ठीक है डियर। यस, और ये तेरा एम स्क्वायर है, इसका वैल्यू पुट किया मैंने। चलो चाहिए क्या इसमें आंसर लिखना, आप आपको क्या चाहिए इसमें तख्ते का प्रारंभिक वेग, आ जाओ आपको वी चाहिए। ओके डियर, ये वी आपको चाहिए, तो आप खुद देखें ये वी स्क्वायर क्या होगा, आप खुद के सामने है ये एम प्लस एम। अपने को ये वी, अपने को वी सी चाहिए। हाँ, इसको रखना ही नहीं, अपने को रखना नहीं है, इसको यहाँ से हटाएं अपन, क्योंकि अपन तो इस तक ते अच्छा टोटल वी सी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लो जी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफ हाफ एम प्लस प्लस एम इनटू वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर चाहिए अपने को। तो तेरे सामने सामने कुछ नहीं होना सा, ये अगले जो दो हमारे गुरु जी के वीडियो है, ये क्या पेपर बन गया था, तो हम उसको ऐड करेंगे। आप देखो दोस्तों अगले गुरु जी के जो वीडियो अपने हैं रोटेशनल फर्स्ट से दो पे हैं, तो अगले अपन तिरिक्त क्वेश्चन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आज हमारा 11वां लेक्चर सूट हो गया, आपके सामने आ गया। बचा तो प्लीज कमेंट्स लिखें, कॉम्प्लीमेंट्स लिखें, सुझाव लिखें, विचार लिखें, ठीक है ना, और वही लिखें। और मैं उनसे सबसे चाहता हूँ निवेदन कि भाई गुरु नीति हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्यों देखते हो, डिसलाइक क्यों कर रहे हो बोले आदमी, यज्ञ कर यज्ञ उंगली क्यों कर रहे हो यार। पहले कोई यज्ञ करते थे तो राक्षस टाइप के लोग यज्ञ में पान डाल देते थे, भाई फ्री दे रहे हैं, हमारे से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मानो तो गंगा जल ना, मानो तो बहता पानी, लेकिन सुन लो ध्यान से, जो देख जाएंगे ना वो 21 की नीट को ठोक देंगे, गारंटी हमारी भाई सीधी सी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोटनी सबके देखें, जेई मेरिट के देखें, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।